जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग बुद्ध वंदना से आज अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब मेरे ख्याल से सभी लोगों को हाथ जोड़ लेने चाहिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य गच्छामि कि बुद्धं शरणं गच्छामि यां शरणं गच्छामि यांति संघं शरणं गच्छामि यांति बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि यांति संघं शरणं गच्छामि प्राणातिपातार्मणि शिक्षापदं समादयामि नमामि नमामि संघं नमामि। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों गाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपनी पद्धति दिखाएं कि हमें हम कहां से जुड़े हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है, किस तरह हमें अपने सभी कार्यक्रम का शुरुआत करनी चाहिए। अब हमारे पास में है रमेश जी, बिटिया का नाम पे थोड़ा सा भूल गए, क्या बताया था रमेश जी? हाँ जी, अविष्टि सिंह। हाँ भूलिए, ये आप ही बुलाइए बिटिया को ना, आदिति मोहाली से। आज वो प्रीएम्बल पढ़ेंगे इंग्लिश में। बच्चे अपना माइक एंड अपना कैमरा दोनों ऑन कर लीजिएगा। नमो तस्से सभी को प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Thank you, Vidya. Aapna naam bataiye sabko pehle. Avishi. Avishi. Kisi class mein ho, Avishi? 11. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप इसमें रोज आइएगा, ठीक है ना? पापा आपके रोज जुड़ते हैं, मम्मा को भी बैठाना साथ में, और जो हमारा यूथ का प्रोग्राम होगा उसको जो ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे भैया दी देखने को मिलेंगे, जो अपने सोसाइटी के लिए हमें कैसे इम्प्रूव करना है उस पर वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक बच्ची है
दिल्ली से मैडम मीना जी हैं जी। मैम मीना जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही आ रही आवाज आ रही है। बधाई है सबको। प्रत्याशा गौतम कहाँ है? जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय स्वीट बच्ची, चलो स्टार्ट करो प्रीएम्बल। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रत्याशा गौतम है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं माता रमाबाई अम्बेडकर महिला मंडल दिल्ली की सदस्य हूँ, जिसकी अध्यक्ष मीना सिंह जी हैं तथा महासचिव सुशीला गौतम जी एंड कोष अध्यक्ष नीता गौतम जी हैं। मैं सुशीला गौतम जी की बेटी हूँ और जब से मेरी मम्मी जी इस महिला मंडल में जुड़ी मीना सिंह द्वारा, सबसे पहले मीना सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब से उन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में जाना और वह जानकारी उन्होंने हमें भी दी, जिसका यह परिणाम है कि मैं आज आप सभी के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे जरूर माफ कर देना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय भीम जय संविधान। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ाया। जय संविधान बेटा, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी तरह पेपर। थैंक यू सो मच। बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप दोनों ने आज बोला है, आपने भी और अविशि ने भी। आप लोग हमेशा इसमें जुड़िए और ये आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूथ की। यहाँ ये पहली बार आप ऐसा एक संघ देख रहे होंगे जिसमें हमारे प्रीएम्बल को इतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा अध्यक्ष है, नेता है, उसको तो हमें और रिस्पेक्ट करना ही करना है ना। यस मैम बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। मदर आए हुए हैं क्या? मदर जुड़े हैं आपके? यस मैम। मम्मी को बोलो आके इंट्रोडक्शन देंगे अपना, पहले वो ही स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। मेरी मम्मी जी अगर सुन रही है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन दे। कहाँ है सुशील जी? हेलो आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? मैं बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो हाँ जी मैम बोलिए बोलिए अपने बारे में। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जय भीम नमो बुद्धाय और सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आप क्या करते हो, कहाँ से हो और सामाजिक आंदोलन में जुड़ के क्या कर रहे हो, थोड़ा सा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना। मैम मेरा नाम सुशीला गौतम है और मैं माता रमाबाई अम्बेडकर महिला मंडल की महासचिव हूँ और मुझे जिनके अध्यक्ष मीना सिंह जी है। और मुझे सबसे पहले दीदी ने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में बताया और मैं उनसे बहुत खुश हुई। और फिर उसके बाद मैंने महिला मंडल को ज्वाइन किया और फिर वहां जाके
मैंने पहली बार बाबा साहब के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में जाना, क्योंकि हमें कभी स्कूल और कॉलेज में तो उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। और फिर दीदी हमेशा बताती है आपके बार बार सैटरडे को रहता है, तो वहां पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताया जाता है। और फिर मैं घर पे आकर बच्चों को खाना बन गया। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर एक साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच दिलाई दे, थैंक यू। अभी अभिषेक हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए और इसमें जुड़िए आप परमेशा। लेडीज की मीटिंग अब 10 तारीख को होगी और बल्कि हम तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी संगति ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए हमें, बच्चों का भी बड़ों का भी, सभी गर्ल्स का लेडीज का, ठीक है ना। प्रत्याशा है ना, प्रत्याशा आपका नाम है ना, प्रत्याशा हाँ, अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बुद्धिस्ट फैमिली से लड़कियां हैं, भाभी हैं, कोई भी है, किसी को भी सबको लाओ यहाँ पे, ये सबका है, ये आपका संग है, ठीक है। आगे जाके दे आर आल्सो जॉइन, उन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है हमारे रिलेटिव्स में। ओके, वे शीज, उनको बुलाओ, इंट्रोडक्शन दिलवाओ उनका, आप बुलाओ उनको, इंट्रोडक्शन करेंगी वो अपना। हाँ मैं आपको बोल, हेलो, हाँ मेरी आ रही है जुड़ी हुई है, पूनम बौद्ध। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन लीजिए। पूनम, ओके मैम, पूनम, जय भीम नमो बुधाय, जय भीम नमो बुधाय। हेलो बोलिए मैडम, आवाज आ रही है। हेलो, जय भीम नमो बुधाय मैम, जय भीम नमो बुधाय। मैं रमाबाई महिला मंडल कोंडली से जुड़ी हुई हूँ और जिनकी अध्यक्ष हैं मीना सिंह जी और 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद जो हुआ था उसमें मैंने उस आंदोलन में मैं भी शामिल थी और मीना सिंह जी शामिल थी और मैंने वहां पर उनको देखा, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। हाँ। और उसके बाद में ही मैंने उनको ज्वाइन कर लिया उसी महीने में, अप्रैल के महीने में, और तब से मैं आज तक उनसे कंटिन्यू मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मानते तो हम पहले से थे बाबा साहब को, लेकिन जो पूरी तरह से जो ज्ञान हुआ है हमें उनके द्वारा ही हुआ है और हम बहुत आभारी हैं उनके जी। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। आप लोग इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते जाओ, ये समाज आपके साथ खड़ा है, ये संग आपका है, इसमें जुड़ते जाओ, अपनी जितनी भी आगे से जितनी भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको, रिश्तेदारी को सबको ले आओ। मीना मैम और बुलाइए किसी को। हाँ मैम, सर्वेश जुड़ी हुई है। सर्वेश मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर्वेश मैडम, सर्वेश फोन अनम्यूट नहीं करा उन्होंने। सर्वेश मेरी आवाज आ रही है सर्वेश को बताने? आई थिंक उनके ना नेटवर्क में शायद में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जय भीम मीना जी, जय भीम जी, जय भीम, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया, बुलाइए मैम, नहीं है कोई, वो नहीं आ रही, बुलाई को बुला लीजिए, किसी और को बुला लीजिए। पिंकी गौतम मैडम, पिंकी गौतम मैडम, मेरी आवाज आ रही है? पिंकी गौतम मैडम, यस मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी को मेरा जय भीम नमो बुधाय, जय भीम नमो बुधाय। नाम पिंकी गौतम है, मैं अम्बेडकर महिला मंडल ओनली 96 से जुड़ी हुई हूँ, दिल्ली 96 से। और आवाज हेलो है, हेलो, हाँ जी मैम, आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। मैं माता राम अवाई अम्बेडकर महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ और उसके सदस्य हूँ, जो जिसकी अध्यक्ष मीना जी है जी, होने के द्वारा मैं विद द पीपल से जुड़ी हूँ और मैं माता रामाबाई महिला मंडल की सदस्य हूँ। थोड़ा जगह का नाम और बताएं कहाँ से हैं?
कोंडली कोंडली पुरानी कोंडली 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 से है जी। दिल्ली में है, दिल्ली में कोंडली दिल्ली में है जी। हाँ जी, ये जरूर बताएं कहाँ से हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और बाकी सभी महिलाओं को जोड़िए, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में जितनी बहू बेटियां हैं आप लोग सभी जोड़िए उनको भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मंजू गौतम मैडम, मंजू गौतम मैडम आपको आवाज, मंजू गौतम मैडम, कुसुम रानी, कुसुम रानी आप अपना मैडम इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए। अपना अपना माइक ओपन कीजिए मैडम पहले। लेफ्ट मैडम, लेफ्ट साइड में बटन होगा मोबाइल के, लेफ्ट साइड में। चलो जब तक वो जोड़ते हैं मैम, हम नई को बुला लेते हैं। अभिषेक चली गई क्या? रमेश जी बेटा चली गई है क्या उसकी मदर? हाँ जी वो मैम एक्चुअली स्कूल का काम उसके प्रोजेक्ट से चल रहे हैं, वो थोड़ा सा बिजी। अच्छा तो मैम को बुलाओ फिर, मैम को तो कम से कम इंट्रोड्यूस कराओ आज। हाँ जी उनको बुलाते हैं। हाँ उनको बुलाओ, है ना, उनको भी बुलाओ। और आंटी जी अगर ठीक है अब तो उनको भी बुलाओ। और पंजाब से अपने कोई जुड़ा है, किसी को बुलाया आज? हाँ जी मैंने मैसेज किया हुआ है। अच्छा अच्छा, अगर कोई आ जाए तो हमें बता दीजिए, है ना? ठीक है। हाँ उनको अपने आप ही बुला देना। ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब मैम आती है तो उनसे बात करवा देना। और कोई मैम जो आज फर्स्ट टाइम पहली बार जुड़े प्लीज आना, एड्रेस कर लें, हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमें बुलाने में। सुजाता जोशी मैडम, सुजाता जोशी मैडम। हाँ जी हाँ जी, सुजाता जी आइए आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैडम। अंजू मैडम, अंजू मैडम, अंजू मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अंजू मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी, कुसुम मैडम बोलिए आपका। हाँ जी हाँ जी, मेरी महिला साथियों को सबको जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। मैडम कुसुम रानी दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली करावल नगर से जी। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ लाइब्रेरी में, डेजिग्नेशन मेरा एसपीए है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी एसटी यूनियन में मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ वहाँ पर। ओके वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और मैं मैडम वहाँ पे यूनियन में रहते हुए मैं अपने समाज के प्रति इतनी जागरूक हूँ कि अपने महिला साथियों या अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की समस्याएं होती हैं, हमारे पास मैडम 80 कॉलेज है। अच्छा में तो हर कॉलेज में हमारी पूरी टीम जाती है मैडम, एससी एसटी यूनियन की टीम जाती है। और जो भी अपने समाज के या एम्प्लॉय की समस्या होती है तो उनको हम हर करने की कोशिश करते हैं मैडम। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे जुड़िए मैम, और ये संघ हमारा पूरे देश में हमने फैलाना है कम से कम 20। मैं पहली बार आई मैडम आज, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी जी। आपको लिंक कहाँ से मिला मैडम, लिंक कहाँ से मिला आपको? लिंक हमारे बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल गौतम जी। अच्छा जी जी जी, हाँ तो वो मेरे छोटे सिस्टर के हस्बैंड है जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया आज कि मैडम ऐसे से आज मीटिंग है, तो मैं कहा चलो जरूर अटेंड करूंगी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम महिला साथियों को और जोड़ो और जागरूक करो सबको। बिल्कुल मैम, हम लोग सब मिलके, हमारा सबका फर्ज है, हम सब मिलके करेंगे। और आपकी जो यूनियन है उसको यहाँ जोड़ो, उस यूनियन को हम पूरे देश में फैलाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ जब एट्रोसिटी होती है तो एक शहर भी पूरा इकट्ठा नहीं हो पाता है। और अगर हम पूरे देश में आवाज उठा दें, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है तो हम साउथ में आवाज उठा दें, हम पंजाब में आवाज उठा दें, तो हमारे सामने कोई नहीं पाएगा। तो हमें संघ के साथ ही चलना पड़ेगा, संघ के साथ ही जीना पड़ेगा, तभी हम लोग कामयाब होंगे, है ना। ये संघ का मतलब ही, संघ का मतलब ही है एक ऐसा ऐसा अम्ब्रेला, एक ऐसा घर जिसमें हम पूरा बहुजन समाज समा जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम संगठन में तो बहुत बढ़ गए तभी हम लोग बर्बाद हो गए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना।
और हमें अब बर्बादी के रास्ते पे नहीं जाना है, इकट्ठे होके जीतने के रास्ते पे आगे इकट्ठा होके चलना है। तो हमें जो भी हमारे पास, हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन इसी लेते हैं, जो भी पर्सन आते हैं, जैसे आपको अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं लेते तो हमें कैसे पता लगता है कि आप कुसुम रानी हैं और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, है ना। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में 2-2.5-3-4 घंटे खराब हो रहे हैं, लेकिन हमें अपने देश के हर नागरिक को, अपने बहुजन समाज के हर नागरिक के बारे में जानना है। वो जो भी काम कर रहा है संघ में आके करेगा तो सब उसके साथ मिलके करेंगे, जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो यहाँ पे आके बताते हैं, और सबके साथ, सब हमारे साथ, हम उनके साथ, सब इकट्ठे होकर जुड़ के मिलके काम कर रहे हैं, तभी बहुजन समाज बचेगा और तभी हमारा समण समाज वास्तव में उसी रास्ते पे लौटेगा। साथियों के लिए बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन करता हूँ मैं, मेरा अपना इंटरेस्ट है जी। आपकी बिक्री आ रही है पर आपकी जी, हेलो, बहुत अच्छा, हाँ जी मैम, हाँ तो मैडम ऐसे मीटिंग आपने शायद डेट, आप जुड़े रहिए मैम, अभी हम लोग आपके नेट में शायद थिंग्स कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो बैठिए मैम, आप थोड़ा लंबा चलेगा प्रोग्राम जी। ठीक है मैडम, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बढ़िया, आप हमेशा ही जुड़ना है। शर्मिला जी, इनको ये लग रहा है सर आप एक दो ही महिलाएं हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारी इसमें महिला स्पेशल 10, 20 और 30 को तो होती ही होती है, और डेली बी द पीपल की मीटिंग 8 बजे से लेके 11:30-11 बजे तक होती है, तो आपने जुड़ना है, डेली जुड़ना है आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जितेंद्र जी के यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा, जितेंद्र जी है कोई उनके यहाँ? थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, जितेंद्र सर अपना प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो माइक म्यूट कर लीजिए, शायद आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आज बार बार नेट में शायद प्रॉब्लम लग रही है ना। हमारे जो भी आज पहली बार नई साथी जुड़े हैं, जो भी हमारी बहने नई पहली बार आई हैं, हाँ अपने हाथ हैंड रेज कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें सुविधा हो जाएगी पहचानने में ना, कौन पहली बार आए हैं। हम सबसे पहले नए साथियों को मौका देना चाहते हैं। ममता बामने एमपी से हैं, ममता बामने, ओके, ममता बामने एमपी से हैं। मैडम अपना माइक म्यूट कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए। ममता बामने, प्लीज इनका माइक एक्स्ट्रा खोल रखा है, अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, सिर्फ जिन जो ममता मीटिंग में पहली बार आई हैं। नहीं मैम, मैं तो हर बार जुड़ती हूँ। हाँ तो जुड़ते हैं, हर बार हमेशा जुड़ना है, और आप बोलने में थोड़ा सा वो आई थिंक संकोच कर रहे हैं, क्या बात है इतना, अभी तो सभी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो सभी महिलाएं हैं इधर, बिल्कुल महिलाओं से ऐसे संकोच थोड़ी करना है, तो महिलाओं के साथ मिलकर काम करना है, सभी को मिलकर काम करना है जी, मिलकर काम करेंगे जो भी हम अपने मुहिम हासिल होंगे। कुसुम जी, कुसुम जी, आप अपना नंबर आप अपना ना अपना नंबर ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो बता दीजिए मुझे, नंबर बताइए अपना। कुसुम जी भी पहले जो आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए ना, इनका आवाज सही। अरे दीदी, तो घर पे आइए, ममता मैम ने ना, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बामने जी आ गए हैं, अच्छा बच्ची भी बैठी है आपकी, बेटी, अच्छा बेटी भी बैठी है, उसको भी कहो, वो भी अपना बताएगी नाम यहाँ पे, बेटी को बोलो। क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फाइव में
5 में. अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए मैम नया कुल लेते हैं. वंश अभी वंश चिकन के नाम से है, वंश वंश चिकन के नाम से है. मैडम आप अपना परिचय दीजिए. हेलो मैडम. हाँ जी हाँ जी मैम. हाँ मैडम नंबर किसमें डालना है, कहाँ जाना है मुझे इसमें? इसमें मैम बोल दीजिए. चलो आप अपना नंबर 8383 93 93 8526. ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम. बबली हीरा जी जो भी हमारा महिला विंग करके बना हुआ है ना, वी द पीपल महिला विंग, ऐड कर देंगे जी, ऐड कर देंगे उसमें. हाँ हाँ अभी कोई और साथी जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अपना हैंड अपना आप रेज कर लीजिए. हाँ मैम हाँ बुलाइए मैम, बुलाइए बुलाइए. वंश चिकन मैडम है, वंश वंश चिकन मैडम है. हेलो यस पुष्पा रानी जुड़ी हुई है. पुष्पा रानी बुलाइए मैम, आपने बुलाया आप भी तो एंट्रिंग कर रहे हैं, बुलाइए. पुष्पा रानी मेरी आवाज आ रही है पुष्पा रानी जी को? हेलो अभी तो थी. हेलो म्यूट करना नहीं आ रहा शायद उन्हें. आ गई है वो, आ गई है शायद. हाँ पुष्पा रानी की आवाज आ रही है. हाँ मैम ये मेरी मामी जी है पुष्पा अपना. अच्छा. हाँ ये मेरी मामी है, ये भी आज जुड़ी हुई है. म्यूट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है. चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सीख जाएंगे, थोड़ी देर में उनको फोन करके बता देना ना. परवेश है. हाँ सर्वेश जी आ जाइए. परवेश 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 हाँ परवेश जी आइए आइए. परवेश जय भीम नमो बुद्धाय. मेरा नाम परवेश. अपना कैमरा खोल लीजिए. ओके ओके दो दो साथ में. अच्छा वेरी गुड. एक राधा है एक परवेश है. ओके ये दोनों कहानी है. अच्छा अच्छा हाँ परवेश अपना इंट्रोडक्शन दो. हाँ मेरा नाम परवेश है और मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ इस महिला मंडल में. वेरी गुड शाबाश वेरी गुड. बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हो आप लोग, लोगों को जगाने का. नमन है आप लोगों को. जितना जागरूक हो सके. बहुत अच्छी बात है. अच्छा आपके साथ साथ में महिला अच्छा अच्छा राधा जी ना. राधा दिल्ली में रहती हूँ और माता रमाबाई अम्बेडकर महिला मंडल की सदस्य हूँ. जी जी. और मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ. जहाँ मीना दीदी ले जाती है प्रोग्राम होता है वहाँ सब जगह जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है. जी जी. और मैम नारे बहुत अच्छे लगाती है ये. क्या लगा के नारे के नारे लगाती हूँ. अच्छा अच्छा ना एक नारा लगा के दिखा दो जरा. लगा दो शाबाश. अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे. बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे. जय हो. बहुत अच्छा बहुत बढ़िया. हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. पुष्पा रानी मेरी आवाज सुन रही है. उषा रानी जी भी आई हुई है. उषा रानी रेणुका सिंह और आनंद मौर्य. आनंद मोनिका. जय भीम समर नमो बुद्धाय सभी को. अच्छी अच्छा. आपके घर में कोई मामा या कोई भी है लेडीज को बुलाओ. आज लेडीज का टाइम है. जय भीम मैम. जय भीम जय भीम. मेरा नाम उषा रानी है और मैं अच्छा ओके 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 दूसरी शहर की एक के सर उन्होंने जोड़ा है आपके ग्रुप से. अच्छा अच्छा वेरी गुड. कहाँ से बताया आपने, कहाँ से हो सर? मैम मैं संभल जिले से हूँ. चंदू संभल. अच्छा 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 ओके ओके गुड. बहन जी ये भी टीचर है. अच्छा संभल से है जी. अच्छा तो आप उनको नहीं जानते अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं.
अपने प्रकाश सिंह जी और अपनी रश्मि मैम, वो लोग यूपी में सारा इसका विदा पीपल का सारा काम संभाल रहे हैं, उनको जानते हो? हाँ, सब जानते हैं। अच्छे अच्छे सब परिचित हैं। ये जो जयवीन सर, जयवीन, ये जो ए के सिंह जी है, ये संभाल रहे हैं सारा, ये उनको जानती है। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, यूवी सिंह और ए के सिंह एक ही बात है, एक ही फैमिली है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। शर्मिला बहन जी, मेरी भांजी भतीजी मेरा जी है डॉक्टर मीनू सिंह। अच्छा, ओके ओके। वो होस्ट है, प्लीज संभालिए पीछे से ना, कोई माइक फालतू नहीं खुलना चाहिए, जिनको जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं का माइक खुलना चाहिए, प्लीज माइक संभालिए बाकी लोगों के ना। बेटा मेरठ से ना परीक्षा दे दो पहले सर, एक मिनट रुक जाइए, जब प्लीज ये माइक बंद करवाइए, सुधीर भाई सब माइक बंद करवाइए सबके, किसी और को भी होस्ट बनाइए, को होस्ट बनाइए, सबके बंद हो गए, जिसको आप कहेंगे वही खोलेगा अपना माइक। हाँ, मैंने खोल लिया अपना माइक। रेणु सिंह जी है, रेणु सिंह जी मेरठ वाली, रेणुका सिंह, मीनू, 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 ओके, मीनू, मीनू जी, हाँ मीनू, हेलो, मीना सिंह तो यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, मीनू जी, अच्छे अच्छे मीनू, हेलो जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो, जय भीम। मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल की सदस्य हूँ और हम मीना दीदी द्वारा जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा भाग लेते हैं। भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और हमारा यही काम है कि घर घर जाके हम उनके विचारों को भी व्यक्त करते हैं और बहुत से काम है जो मीना दीदी के द्वारा करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लगे रहिए और इसमें विदा पीपल के साथ जुड़िए। मीना मैम, आप सबको विदा पीपल के साथ जोड़ेंगे, हम संघ में मिलके काम करेंगे, है ना, पूरे देश में आपका रमाबाई अंबेडकर मुहिम चलेगी, ठीक है ना। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, इतना सुकून हमें कहीं नहीं मिला जो हमें आज बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के बारे में जानकर और जो मीना दीदी ने जो हमारे लिए किया है, आज हम यहाँ जो पहुंचे हैं वो अपनी मीना दीदी द्वारा ही पहुंचे हैं। हाँ, और इसीलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास तौर से मैं जिससे उन्होंने निकाली, बहुत बहुत मुझे उनका बहुत बहुत साधुवाद है और ये जीवन भर रहेगा, उनके हर कदम पर हम उनका साथ देंगे। आप दिल्ली से हो? हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, ओके, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, जुड़े रहिए अभी आप, है ना, थैंक यू मैम, ओके, हाँ ओके। मेरठ वाली जो थी, मेरठ वाले थे ना, मेरठ वाली मैम थी, वो आई नहीं। जय भीम, आप मेरठ से? हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, जय भीम, दिल्ली से ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप ही मीना मैम के मंडली से हो ना? जी जी, अच्छा अच्छा, मीना जी, मीना जी, सबको, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नीता जी, इंट्रोडक्शन दो प्लीज। मैं रास्ते में हूँ इसलिए अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, पर मैं देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ। ओके ओके जी, ओके, हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है मैम, बताइए मैम, बताइए अपने बारे में, बताइए थोड़ा सा। मैम, मैं नीता गौतम दिल्ली से जी, माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल की कोषाध्यक्ष, और मैम आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमारे महिला मंडल की ग्रुप की बेटे को प्रस्तावना पढ़ने का मौका दिया और वी द पीपल का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मतलब बहुत अच्छा ग्रुप है आपका और धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने उस बेटी को इस लायक बना दिया
है ना, हम लोग उससे मिल पाए आप लोगों की वजह से, है ना। तो ये मौका तो आपने हमें दिया, हमने थोड़ी दिया आपको मौका, ये आपने हमें मौका दिया, ये संघ आपका है, ये संघ पूरी तरह से आपका है, हम लोगों का है और इसे हम लोगों को पाना है। पर हाँ मैम, आपका ग्रुप भी बहुत बड़ी मैम, आप ग्रुप भी बहुत अच्छा है। ग्रुप नहीं है ये, आपका हम सबका ग्रुप है, हम सबका ग्रुप है मैम। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ दीना मैम जी का, मतलब वो उन्होंने हम सबको मतलब बहुत कुछ, और हर सैटरडे हमें सिखाया जाता है जगह जगह, मतलब बहुत सारी महिलाएं आती है भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में अपना सब सुनती है, और मीना दी जो बताती है मतलब उसको बहुत अच्छे से याद करती है। अच्छा अच्छा, नितिन राजी आपके साथ में कोई है क्या? नहीं मैं अकेला, कोई लेडी है आपके साथ? नहीं नहीं मैं अकेले हो, चलो हाँ ओके ओके। नितिन जी हम आपसे ना कल बात करेंगे, आप रोज जुड़िए इसमें, लेकिन आज थोड़ा सा लेडीज बात सुनो मैडम, मैं ये बात करना चाहता हूँ यार, सब ये बोल रहे की जय भीम जय वैसा बोल रहे हैं दिल्ली में, वैसे फिर दिल्ली में एक बार एक कांड हुआ था अपन के समाज में, फिर उसका क्या हुआ, फिर वो फिर दिल्ली में बोलते हैं वो अपन करते हैं वो क्या, फिर उसका समझ में नहीं कुछ नहीं आया, फिर अपन एक भाव तो अपन क्या समाज अगर मौत होती है अपन एक्सपायर होता कोई बंदा ना कोई उसका, हम लोग है ना, हम लोग क्या ऐसे हमने फैंटेसी बना रखे कि हम लोग जैसे जाते हैं ना समाज में, हम बैठते हैं बाबा साहब की किताब बांटते वैसे करके हम लोग वैसे काम करते हैं राजस्थान में, हम लोग वैसे हम लोग कुछ बंदे जुड़े। कहाँ से हो आप नितिन जी, कहाँ से हो, कहाँ से हो नितिन जी, नितिन जी कहाँ से हो? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ मैं। ओके ओके, राजस्थान की पूरी टीम है हमारी जो विदा पीपल के साथ काम कर रही है ना, आप उन लोगों से बात करो कि कहां लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। आज आज आप सब पता है, मेरी बात सुनो, मेरे को सब पता है, ऐसी बोलते हैं क्या क्या नहीं है, फिर देखो अच्छा आज ना मेरी बात सुनो, बात बात सुनो, आप बैठे रहिए अभी, आप थोड़ा सा समझिए, अभी हम लोग अभी जस्ट शुरू हुआ है हमारा कार्यक्रम, अभी आप पहले सुनते रहिए किस तरह यहाँ पे काम होता है, अभी आप आपको पूरी की पूरी टीम मिलेगी, ये वाला बोला वो वाला मैंने सब सुना, मेरे को सब पता है क्या क्या नहीं, मैं खुद गवर्नमेंट एप्लाई हूँ, मेरे को सब पता है, अभी 8-10 मिनट में आप अटेंड करो, उसके बाद यूपीएमपी वाला लेके सारा कुछ जानता हूँ कौन क्या 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 नहीं है, मैं सब मगर चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आप ब्लॉक करते हो, किसने ब्लॉक करा आपको? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं करता है, गलती से कोई मतलब नेट की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ हो जाएगा, बाकी सब लोग आते हैं सब बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शर्मिला मैम मधुरानी जुड़ी हुई है मुजफ्फरनगर से, उन्हें ले लो जरा। ओके जी ओके, मधुरानी जी आइए जरा आइए, और सरोज मैडम भी आइए, अभी एंटर हुए हैं। मधु मैम बोलो, क्या बोलो, उषा रानी जी, उषा रानी जी आपका हाथ बहुत देर से हैंड रेज है, प्लीज आइए जरा बताइए अपने बारे में। उषा रानी जी मैम मैं बता चुकी हूँ, ओके ओके, तो आप मैम जरा अपना हैंड मैम मुझे बताना है, अपना परिचय देना है। हाँ जी आइए आइए, आपका देना है। हाँ जी क्या नाम है आपका? मीनू सिंह। ओके मेरा नाम मीनू है और मैं मेरठ से हूँ, और ओके कर रही हूँ मेरठ से, सब्जेक्ट टॉक्सिकोलॉजी है, और मेरे चाचा जी ए के सिंह उन्होंने मुझे सलाह दी इस ग्रुप में जोड़ने के लिए। ओके ओके, आपकी आपकी कजन शायद है प्रज्ञा ना? जी हाँ, वो आप प्रज्ञा हमारे यहाँ पे आती है, और प्रज्ञा ने कई बार हमारे यहाँ प्रियम्बल को रीड किया है, और आप भी जुड़िए। और मेरठ में किस जगह से हैं आप? मेरठ में शास्त्री नगर। ओके मैं भी मेरठ शास्त्री नगर से ही हूँ। ओके मैम, हम लोग मेरठ शास्त्री नगर में ही रहते थे, रहते थे हाँ हाँ, एल ब्लॉक में, एल ब्लॉक में। अच्छा अच्छा हाँ, वो तो यही है पास। अच्छा आप कौन से ब्लॉक से हो?
के ब्लॉक। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या बताया आपने? मीनू, मीनू सिंह। मीनू सिंह, मीनू जी आप ना इसमें चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दो, है ना, हम लोग पर्सनली कॉल बाद में अलग से करेंगे, है ना। अब तो बात रोज होगी हमारी और आपकी, अब मेरठ के बारे में सुनेंगे आपसे, और हम लोग आपके जितना फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, कोई भी नजर आता है, आप लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, संघ है, और संघ का मतलब है कि सबकी सहायता करना, सारे समाज को उठा के ऊपर ले जाना, है ना। संघ का मतलब ही एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। डेली जुड़िए इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल आपने लेडीज वाले ग्रुप में ही जुड़ना है। मीटिंग में आपको जूम चलाना आता है, डेली मीटिंग होती है हमारी, 8 बजे से ही अपना खोलो, आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे, रोज आपको लिंक मिलेगा। ओके जी मैम, ओके मैम, ओके 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 जी, ओके। मेरठ के लोग तो, हाँ जी, इनको यूथ के बोलो, यूथ की मीटिंग में जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, यूथ की भी मीटिंग होती है हमारे यहाँ पे मीनू जी, और हमारे यहाँ पे डेली जो मीटिंग चल रही है उसमें भी जुड़ो, यूथ में भी आना स्पेशली। ओके मैम, हाँ जी, हाँ जी, ओके, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई नहीं साथी जो फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए फटाफट। हाँ जी, लता परिहार, लता परिहार है, लता परिहार मैडम, लता जी आइए प्लीज। नीलेश जी, नीलेश जी, आज तो नीलेश, हेमलता जी, हेमलता जी, हेलो, यस, हाँ जी, हाँ जी, मैं लता परिहार, बोलिए मैम जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। चंद्रकला कुमार जी हाथ उठा रही हैं अपना। नमो बुद्धाय, मैडम। हाँ जी, मैं पहले भी इस महिलाओं वाली मीटिंग से जुड़ रही हूँ, और मुझे इस मीटिंग में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं खुद भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ काम कर रही हूँ, और मैंने तीन, कहाँ से हो मैम, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा हिसार से। ओह गुड, हाँ जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ, और अपने जो खास अपने बच्चे हैं। शर्मिला जी, एसपी परियार जी की मैडम है। अच्छा अच्छा अच्छा, परियार जी ने जुड़ा, अच्छा, मैम सर के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। ओके गुड, सर तो रोज यहाँ जुड़ते हैं, आप कहाँ रहती थी? फर्स्ट मीटिंग में मैंने बताया था जी, आज आप फर्स्ट में जुड़ रहे हो, तो मैंने बताया था इनके बारे में। अच्छा अच्छा, ये चंद्रकला कुमार जी का हाथ उठा हुआ है सर, शर्मिला बहन जी। अच्छा चंद्रकला जी, चंद्रकला मैम आइए प्लीज। नमस्कार मैम, मेरा नाम चंद्रकला है, और मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ। जी जी जी, मैं प्राइमरी स्कूल ब्रह्मपुर सेकंड में टीचर हूँ। कौन सी जगह से मैडम? मैं फिलहाल मैडम, मैं गोरखपुर में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, और मैं बिलोंग करती हूँ मेरठ से। जी जी, मुझे इस मंच के बारे में, मुझे मेरे अपने के सिंह के द्वारा पता चला है। वेरी गुड, बहुत ही नाइस फैमिली है, पूरी फैमिली क्रांतिकारी है, आप तो लकी है कि आपको इतने प्यारे जेट मिले हैं। आप इसमें रोज जुड़िए, आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ खाली लेडीज की मीटिंग में नहीं आना है, आपके हस्बैंड को रोज इसमें जोड़िए, उनके साथ आइए, भाई सब तो रोज जुड़े होते हैं इसमें, हम जो सब मिलके काम करेंगे, है ना। आज ही उनका सुबह कॉल आया था, और उन्होंने इस मंच के बारे में बताया कि एक बार जुड़ के देखो और तुम्हें समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको थोड़ी देर में और भी क्लियर हो जाएगा कि हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, ठीक है। आप इसमें रोज जुड़िए, और भी आपके घर में, आपके मायके में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है हमने, क्योंकि हमें अपना पूरा समाज इकट्ठा एक मंच पे लाना है ना, और कैसे भी लाना है, उनको किसी भी तरह उनके पास जाके समझाओ, उनसे पूछो कि आपने क्या करा अब तक, हमने क्या करा, हम मिलके करेंगे जो नहीं कर पाए, ठीक है ना। हाँ हेमलता मैडम, हेमलता मैडम, मेरी आवाज आ रही है? आशा मैडम, मोनिका मैडम, समाज इकट्ठा कैसे होगा आप बताओ, सॉरी कौन आना चाहता है? मधुरानी, मधुरानी, बिरला, बिरला नरेश जी अभी आई है कोई? जी जी, रवीना, रवीना मैम कहाँ से हो? माइक खोलो अपना, कैमरा खोलो अपना, रवीना जी,
बिरला नरेश। काफी नई साथियां जुड़ रही हैं यहाँ पे, लेकिन आपने हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन फर्स्ट टाइम आ रहा है। आइए प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सब लोग वन बाय वन करके, ये आप ही का घर है, सब एक दूसरे के घरों में झांक रहे हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। पुष्परानी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जय भीम मैडम। जय भीम मैम। जी मैम, मैं दिल्ली उस्मानपुर से हूँ जी, और जो है मैं मीना सिंह के साथ जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला की सदस्य हूँ, मंडल की सदस्य हूँ जी जी। और हमारी अब आप जी हाँ, अब आप विदा पीपल की भी सदस्य हैं, और विदा पीपल को पूरा रमाबाई अंबेडकर सब मिलकर इकट्ठा काम करेंगे, पूरे देश में फैलाएंगे हम आपकी मंडली को, आपको अब पूरे देश में आपकी बहने आपका वेट कर रही है। मेरी बात सुनो, क्या काम किया है ये बताओ, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जोड़ने के लिए जी जी। काम क्या है ये बताओ। अरे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कहा है ना कि शांत होके बैठिए। नितिन जी कोई दिक्कत है क्या? आप बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपको आराम से बैठ के समझना नहीं आता है क्या? आपको कहा है ना कि चुपचाप बैठ के देखिए इसमें हो क्या रहा है। जरूरी आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी, हर कैंडिडेट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? बहुत देर से इंटरप्ट कर रहे हैं, अगर नहीं पसंद आ रहा तो हट जाइए यहां से, इट्स टू मच। ठीक है, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हम आपको। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ सुनेंगे, बैठेंगे आपके साथ काम करेंगे हम। दिक्कत है बताओ। बहन जी शांत हो जाइए, वो चले गए शांत हो जाइए। ऐसा इतना डिस्टर्ब भी कर रहे हैं सर वो। चले गए उन्होंने एक बार बोल दिया, वो चले गए। आप अपना काम कीजिए जी। जी मैम, मैं हमें जो है मीना सिंह ने लिंक भेजा था, वो हमारे भांजी हैं जी। और जो है हम सबकी ये कोशिश रहती है कि भाई हमारा देश जो है बुद्धमय देश होना चाहिए, जो अब से पहले भी था जी। और हम बाबा साहब के विचारों को घर घर फैलाएं, जो महिलाओं के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है उसको निकालें जी जी जी। और जो है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, और जितने हमारे जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को पढ़ें और उनके विचारों पर चलें और आगे बढ़ें। हम सब महिलाओं की यही इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें और उनको अंधविश्वास से दूर रखें किसी भी तरह से, मतलब उठाएं अपने महापुरुषों के बारे में, अपने मिशन के बारे में। इस धरती पर जो बौद्ध धर्म हुआ है, जो हमने बौद्ध धर्म से हम जो शिक्षाएं लेते हैं, वो सभी महिलाएं उन शिक्षाओं को ग्रहण करें और उस रास्ते पर चले, हमारी हर कोशिश। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आप आपके विचारों को पूरे देश में हम फैलाएंगे, मिलके फैलाएंगे, है ना। जो आपकी इच्छा है वो पूरे देश में पूरी होगी, हर घर तक आपको अपनी इच्छा पहुंचानी है, तो उसके उसके लिए हम मिलके काम करेंगे, तभी कर पाएंगे मैम, है ना जी। बिल्कुल मैम, हम जो है मिलकर काम करना चाहते हैं अभी, चलो काम करने के लिए। और जितने भी महिलाएं हम जोड़ सकते हैं जोड़ेंगे, और महिलाएं भी जो हमारे साथ महिलाएं हैं जो बुद्ध भीम के विचारों से जो है काफी प्रभावित हैं और जानना चाहती हैं बाबा साहब के बारे में, हमारे उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और हमें यहाँ तक इस स्टेज तक लाए हैं कि आज हम अपनी बात रखने योग्य हुए हैं, तो हम उन सभी महिलाओं से महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। और वो भी महिलाएं जुड़ेंगी आपसे, मैं अगले बार आपसे जो है मुलाकात कराऊंगी उन महिलाओं से भी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप सबको सारे नंबर इकट्ठे करके मीना मैम को दे दो, मीना मैम आप ग्रुप की एडमिन है, वो आप सबको जोड़ेंगी अपने आप ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबके सब हमारा विदा पीपल महिला विंग करके हमारा ग्रुप चल रहा है, उसमें सब इकट्ठे होंगे हम लोग दिल्ली का। आप लोग अलग अलग से एक विदा पीपल का भी ग्रुप बना लो, उसमें आप अलग से जोड़ो। और बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में दो दो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दो कि एक तो कॉमन रहेगा मेल फीमेल के लिए, एक स्पेशली लेडीज का प्रोग्राम होगा, तो उसको हमने बहुत अच्छे से सफल बनाना है। ठीक है मैम, आपका योगदान हमें चाहिए, हम लोग मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ पे जुड़े, आप बैठे रहिए, अभी देखिए आगे अभी क्या हो रहा है इसमें, है और भी आपको अच्छा लगेगा फिर। धन्यवाद हमको जोड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम हमारा क्या धन्यवाद, आप ही का प्रोग्राम है ये, आप ही का है ये, मीना मैडम का प्रोग्राम है ये, हम सबका है, लेकिन किसी न किसी से क्योंकि उससे तो इंसान जुड़ता है ना, आपने हमें जोड़ा, हम किसी और को जोड़ेंगे तो इसी तरह बिल्कुल 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 सही बात है। तो जिस दिन हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा देश जो है बुद्ध में जरूर होगा एक दिन, बिल्कुल होगा और होकर ही रहेगा मैडम, होकर ही रहेगा जी बिल्कुल, यही हमारी इच्छा है और आने वाली पीढ़ी की भी हमारी ये इच्छा है, आने वाली पीढ़ी भी हमारी जो है तैयार है हमेशा इस काम में, ये काम करने के लिए, मिशन से जुड़ने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीना मैम है या कहाँ से है रवीना मैम? रवीना मैम प्लीज आइए, रवीना जी, मीनू जी, मैडम हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए मैडम बोलिए। जय भीम मैम, आप सभी को जय भीम। जय भीम जय भीम, आप अभी शायद पहले भी जुड़े थे ना? हाँ जी मैम, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कहाँ से हो आप? मैम मैं आगरा से हूँ और एक सोशल एक्टिविटीज हूँ और यूट्यूब। ओह गुड जी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप रवीना हो? अच्छा शुभम ने भेजा आपको दिया नंबर है ना? जी जी शुभम हंसी जी ने जी, हम दोनों साथ में। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी मैम, थैंक बहुत 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 साधुवाद आप यहाँ पे आई रवीना जी, आपसे मिलने का मौका मिला, आपके बारे में तो बहुत सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आप समाज के लिए बहुत ही योगदान दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपके आपके बारे में जान के, आपको देखने की, आपसे बात करने की तो बहुत दिन से इच्छा थी मेरी, मुझे सर ने बताया भी था। और किस तरह, हाँ किस तरह काम करते हो, कुछ लोगों को आइडिया दो, लोग आपको कोऑपरेट करेंगे और भी। हाँ मैम, जैसे जो हमारी महिला है वो जल्दी करके पाखंडवाद में फंसी हुई है, वो जल्दी करके हमारे मिशन में आती नहीं है, तो मेरा बस यही है कि मैं उनको जागरूक करूँ और अपने मिशन से जोड़ूं। जी जी जी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा जी, मैं जिस भी कैडर में जाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि महिला एक या दो आती है मुश्किल से मुश्किल, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब हम आदमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बने हैं, ना कि पीछे रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम बस मेरा यही कार्य है कि मैं उन सबको भी आगे लाऊं और समाज में जागृति पैदा करूं। हाँ अभी देख रहे हो ना आप मीना जी, रवीना जी, आज कितनी लेडीज बैठी हुई है यहाँ पे ना, ये तो कुछ ऐसा मतलब कुछ खास लेडीज यहाँ बैठी हुई है, बाकी हजारों लेडीज इस मिशन में जुड़ चुकी है और सब पुरुषों से, पुरुषों को पीछे छोड़ के उनसे आगे निकल गई है, है ना? और अब वो इतने डरते हैं, हमारे घर में हमारे समाज के लोग हमसे इतना डरते हैं कि किसी ने अगर लेडी के ऊपर हाथ उठाया या पी के घर में आए तो पूरी टीम चढ़ जाती है उनके ऊपर, है ना? मैम मुझे तो आप सब लोगों से पहली बार मिलकर इतना अच्छा अपना सापन लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ, थैंक यू सर मुझे आपने ऐड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बबली हीरा जी, जी 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 मैडम, कॉन्सेप्ट के लिए मैडम, सीमा मैडम बोलिए। हाँ कॉन्सेप्ट के लिए टाइम हो गया है और चूंकि आज पारिवारिक है तो मैं भी अपने परिवार में भी आपको परिचय करवाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज महिलाओं का है, आज महिलाओं का है। जी जी, ये मेरे मदर इन लॉ। वाह नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो आप? आप खाली राजकुमारी की मदर नहीं हो, आप हम सबकी मम्मी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। और कुछ बोलना है? आपका नाम, आपका नाम माता जी, नाम आपका, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम माया देवी है। माया देवी, ओके। आपके घर में तो तभी माया ही माया बरस रही है, आपको इतनी प्यारी बहू मिली है ना, आपको इतनी प्यारी बेटी मिली है, आपके साथ इतने प्यार से बैठी हुई है, आप तो वैसे ही माला माल हो। बिल्कुल हाँ, आप जुड़ा करो इनके साथ, राजकुमारी जी के साथ जुड़ा करो, देखो ये कितना काम कर रही है समाज के लिए। बिल्कुल है ना, आप लोगों का सहयोग है तभी वो कर पा रही है इतना कुछ। आपके आपके साथ की जितनी भी महिलाएं हैं ना मम्मी जी, और उन सबको लाओ यहाँ पे। सभी को हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने बहुत अच्छा किया कि इनको हमसे मिलवाया। अरे और कोई है क्या और ले आओ राजकुमारी जी। जय भीम जय भीम जय भीम, ये इतनी स्वीट सी आवाज कहाँ से आ रही है? ये वीडियो ऑन है, बेटा है। अच्छा अच्छा
अच्छा ओके, मेरा लड़कियों जैसी आवाज है बिल्कुल, ये भी प्यारी सी। रोहित रोहित ना मोहित 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 ओके रोहित ओके गुड रोहित। मम्मी को देखते हो ना रोज काम करते हुए, कितना काम कर रही है। आपको आगे बड़े होके बहुत काम करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके ऊपर ना। हाँ ओके मम्मी को पूरी हेल्प किया करो, ऐसे मम्मी यहाँ पे काम कर रही है तो उनको कुछ ना कुछ बना के खिलावा पिलाया करो पीछे से, ठीक है ओके थैंक यू रोहित, बाय बबली राजी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। हाँ अभी हमारा वक्त हो गया है, अब लोग जानना चाहते हैं कि हम क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हम लोग क्यों इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है इकट्ठा होने का। तो आइए हम सब लोग जाने मिलके कि हम क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं मैडम सीमा प्रकाश जी को, वो अभी आप सब लोगों को आके बताएंगे कि इकट्ठे होने के इससे क्या फायदा है, एक जुड़ने से क्या फायदा है और क्या संघ का मतलब है, संघ कैसे काम करता है, मैम आके आप सभी को बताएंगे। मैम सीमा जी क्या जी सुन पा रही आप मुझे? हाँ जी मैम, हाँ जी आ रही है लेकिन मैम थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा। जय भीम नमो बुधाय जी आ रही है। जी जय भीम नमो बुधाय। ईयरफोन नहीं लगा रखा उन्होंने। हाँ मैम ईयरफोन लगा लीजिए अगर पॉसिबल हो, क्योंकि थोड़ा सा गैजेट दूर पड़ रहा है आपके फेस से माउथ से ना। अच्छा आप सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए, मैं लैपटॉप से जरा चेकिंग करूँ। हाँ कोई बात नहीं मैम, तब तक हम किसी एक साथी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो आज प्रज्ञाशील बहुत दिनों बाद आई है, प्रज्ञा या यू आर ऑडिबल, हाउ आर यू? बिल्कुल आ रही है, पर आप क्यों नहीं आ रही हो कैमरे पे? हाँ आपका फोटो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रज्ञा। अच्छा मम्मी या प्रज्ञा की? या बट नॉट टू मच क्लियर प्रज्ञा। हाँ मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कैसे हैं मैम आप? हम तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ गायब हो गए, एग्जाम हो गए आपके? यस मैम एग्जाम। नाउ यू आर फ्री? ओके ओके वेरी गुड। तो आप आके यहाँ पे कॉपरेट करो, है ना, फादर साहब रोज जुड़ते हैं और आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, बिकॉज दिस इज मेनली फॉर द यूथ, क्योंकि आगे जाके सारा कुछ हमें अपने बच्चों को ही दे देना है, उनके लिए सारी तैयारी चल रही है। तो यूथ का फ्यूचर कैसे बचाया जाए वो आप बताओ यहाँ पे इकट्ठे होके। बहुत दिनों बाद आई हो एग्जाम के बाद। yes, आपकी मदर भी साथ में है आई थिंक सो, है ना? वेजो मदर, मामा का है? मैम मदर भी, मम्मा भी एडेड है मीटिंग में। ये रही मम्मा। अच्छा कैसे हो मैम? मैम ठीक है, आप बात करिए इससे। मम्मी आप म्यूट हो गई। बंते जी शायद ना, बंते जी नमो बुद्धाय, वंदामी बंते, वंदामी बंते जी। हाँ चलो कोई बात नहीं। सीमा मैम हो गया आपका ज्वाइन हो गया? हाँ चलो कोई बात नहीं, तब तक हम लोग ये सुशीला गौतम जी, सुशीला गौतम मैम कहाँ से हैं? वो दिल्ली से ही है, कोंडली से। अच्छा अच्छा उनको भी बुला लीजिए, जब तक सीमा मैम अपना माइक ठीक कर रही है ना, तो तब तक आप उनको बुला लीजिए, सुशीला गौतम मैम को। उनका आई थिंक सो हो गया ना, सुशीला गौतम का हो गया? हो गया। अच्छा उनको कुछ कहना चाहती है क्या? उनका हैंड रेज है सुशीला गौतम का। हाँ जी हाँ जी। अभी कोई श्याम जी है? श्याम जी आ जाइए, नहीं तो बैठे बैठे सवेरे हो जाएगा। आ जाओ बताओ आपके घर से कौन किसको लाए हो। हाँ जी मैम बंते जी कुछ कहना चाह रहे थे।
अच्छा बंटे जी, बस हमें 5-10 मिनट दे दीजिए, हम आप ही को सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारा, हमने ये संघ क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या है, उसको थोड़ा सा हमने लोगों को बताना है बंटे जी, उसके बाद हम आप ही को सुनेंगे। बंटे जी आप ही को, आप ही का वक्त है उस वक्त, उसके बाद। शर्मिला जी आपका नंबर सेंड कर देना। मेरा? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, ओके। आप कौन सा हब है, नंबर मांग रहे हैं? हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन भेज दिया आपके उसमें चैट पे। अच्छा अच्छा ओके। आपके साथ में कोई फीमेल आज कैंडिडेट है क्या? आज तो नहीं है, बट लेकिन जोड़ूंगा, कई बहुत सारी लेडीज हैं। अच्छा अच्छा, जितने भी लेडीज है सबको ले आओ, ये आप ही का घर है, आप ही का संग है, ठीक है ना? उनके साथ एक बहुत छोटा बच्चा है, उससे ले लो। ले आ, बुला दो। हाँ, बुलाओ बुलाओ, हम तो छोटे बच्चे को भी लेते हैं, जैसे मेरा बेटा उन्हीं के साथ है। ये तो शर्मिला जी के साथ ही है बच्चा। शर्मिला जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैडम आ रही है आवाज। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, आ रही है। हां हां, क्लियर है आवाज? क्लियर है। अच्छा, तो मेरा एक्चुअली लैपटॉप से फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ, फोन से ही कनेक्ट किया है लैपटॉप में, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर आवाज आ रही है। अब आवाज बहुत तेज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, तो जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को मेरा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। चंडीगढ़ से कैलाश प्रसाद जी अपना माइक म्यूट कर लें। आज हमारे साथ अभी तक अपना अपना माइक खोलिए, डॉक्टर सीमा अपना माइक खोलिए, अब कोई बोलिए, अब सबके माइक अनम्यूट हो गए। ठीक है ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हम जो आज मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सभी महिलाओं को, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा प्रकाश, मैं दिल्ली के UCMS और GTB हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं सीनियर गायनकोलॉजिस्ट हूँ वहाँ पर, और अपने समाज के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, और काफी ये जो वी द पीपल का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगी। वी द पीपल जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहली बात तो ये जो नाम है वी द पीपल, ये प्रीएम्बल से लिया गया है, जो संविधान का हमारा प्रीएम्बल है उसका वी द पीपल से ही वो शुरू होता है, वहीं से इस नाम को लिया गया है। और नाम को लेने के पीछे भी क्या रीजन है, वो ये है कि हम जो हमारी जो ये इस समय संघ चल रहा है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और खुद जुड़ें और अपने साथ के जितने लोग हैं, जैसे अभी आज जो हम कर रहे हैं महिला स्पेशल, इसमें हम परिवारों को जोड़ रहे हैं। तो जो हमारी सबसे पहली संगति हुई थी महिलाओं की, जिसमें हमने जब बात की थी, तो यही इशू उठाया गया था कि महिलाएं हैं जिनकी वजह से पूरा समाज जुड़ता है, तो वही एक रीजन था कि हमने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। और आज की डेट में लगभग 150 महिलाएं हमारे पास आज अभी इकट्ठी हो चुकी हैं। तो जो हमारा वी द पीपल का है, वो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें जुड़ना है और जोड़ना है, और हमें अपने समाज के लिए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, हम अपने समाज के लिए आगे कार्य करना चाहते हैं। इसमें कोई भी ये ना सोचे कि हमारा कोई बहुत ऐसा पॉलिटिकल मोटिव है या कोई इस तरीके का मोटिव है, वो नहीं है। हम समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक छत्र छाया में लाना चाहते हैं, जिससे कि किसी भी हमारे समाज के जब व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत परेशानी आए, तो हमारे जो संगी साथी हैं जो उस एरिया में हैं या जो उस फील्ड से हैं, वो उस उनकी सहायता के लिए फौरन इकट्ठा हो सके। हमारा जो मेन जो वो है, ये यही है कि हम सब इकट्ठे हों, संगठित हों, जो कि बाबा साहब ने भी हमें कहा था कि संगठित होना है, शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। तो हमने जो संगठित होने का है वो कार्य शुरू कर ही दिया है। जो उनका पहला जो नारा था कि शिक्षित बनो, उसके हम सभी को मोटिवेट करते हैं अपनी मीटिंग्स के थ्रू, और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। संघर्ष हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं समता के लिए, कि हमारा जो समाज है वो एक समान धरातल पर, जो कि भारत में
आज की डेट में हम देखते हैं कि बड़ा ही मुश्किल है, इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतना ज्यादा ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव हर तरीके के जो चल रहे हैं उनको हम कैसे खत्म करेंगे, उस बारे में हमने जो अपना है इस संघ के थ्रू कोशिश जारी कर रखी है कि हम उसे कैसे खत्म करेंगे। दूसरा जो हमारा हमने जिस तरीके से इसका डिवीजन किया है, मतलब आगे हमारा कार्य कैसे चलेगा, जैसे कि इसमें हम नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारे डॉक्टर्स की एक विंग है, डॉक्टर्स में भी यूपी के डॉक्टर्स, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, इस तरीके से लोग बने हैं, एडवोकेट्स का अलग से है, टीचर्स का है, अलग अलग प्रोफेशंस, बैंक्स का है, इस तरीके से ग्रुप्स बनाए गए हैं। और उसके अलावा हर क्षेत्र के, जैसे कौन किस क्षेत्र से है उसके बेसिस पे भी ग्रुप्स डिवाइड करे गए हैं। अब आगे जो हम कार्य करने का सोच रहे हैं, जैसे कि हमने पानीपत में अभी एक दिन से संगत की थी जिसमें कि हम लोग फिजिकली मीटिंग हुई थी, जिसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जैसे कि मैं संसद का एग्जांपल नहीं दूंगी क्योंकि संसद में तो मैंने हार्डली कभी अच्छे से कोई होते हुए देखा है, वहां तो ज्यादातर लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा हो रहा होता है, पर हमारी जो पानीपत की मीटिंग थी वो एक उदाहरण थी कि किस तरीके से अच्छी संगति अच्छे तरीके से सही व्यवहार करके चलाई जा सकती है। और उसमें हमने कोई लीडर नहीं खड़ा किया था, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपने उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसके लिए समितियां बनाई गई और उन समितियों का गठन हुआ और उसके बाद उन समितियों के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी सदस्य थे, उन्होंने आगे कार्य करना शुरू कर दिया है। उसके लिए हम अभी जो है चल रहा है, वो सभी काम साथ के साथ चल ही रहा है। बाकी जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो मीटिंग्स है वो एवरी डे रोज 8 से शाम को 8 से और 10 तक का टाइम होता है, पर नॉर्मली 10 बजे वो खत्म नहीं हो पाती है, 11 12 1 2 बजे तक भी कई बार चलती है। इसमें पहले हमारे 2-3 घंटे जो होते हैं वो ऑफिशियली हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जोड़ते हैं और उसके बाद 1 घंटे के करीब हम 0 आवर रखते हैं जिसमें कि हम किसी भी टॉपिक पे जो भी जिस तरीके से भी बात करना चाहता है वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं और जनरल डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। जो आज की जो हमारी जो सभा है, जो हम इकट्ठा हुए हैं महिला विशेष जो है, इसमें सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हमने इसका नाम बेसिकली परिवार विशेष है, जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा परिवार के सदस्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी तक तो जैसे हम अपने बच्चों को ही सिखाते थे, जो हमारे एकदम क्लोज जैसे अपने खुद की बेटी बेटा और इस तरीके से था, पर अब हमने जो शुरू किया है वो अपने जो जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनके बच्चे जब आते हैं तो उन्हें हम छोटी छोटी किताबें हैं हमारे पास बाबा साहब की, जो कि पिक्चर फॉर्म में है, पिक्टोरियल बुक्स हैं, वो हम उन्हें दे देते हैं, वो उन्हें पढ़ते हैं और उसके बाद वो आके बताते भी हैं कि हमने ये पढ़ा, हमने इससे ये सीखा। और जैसे अगर वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसकी हिंदी करके सीखते हैं, इस तरीके की चीजें अभी हमने शुरू की हैं। तो बेसिकली तो जो हमारा मेन कंसेप्ट है वी द पीपल का, वो जोड़ने का है और एक दूसरे की सहायता करने का है, एक दूसरे को आगे कैसे हम समाज में बढ़ाएंगे इस चीज के ऊपर है कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं जो सक्षम हैं, जो किसी भी तरीके से सक्षम हैं, वो उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाएंगे जिनके पास भी किसी चीज की अभी कमी रह गई है। तो हम इस कंसेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम हमारा जो ये मन से जो हमारे एक सभी साथी जुड़े हैं इस मंशा के साथ कि हम कुछ कर पाए अपने समाज के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अपने इस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे कि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर कर गुजरेंगे। और जो हमारा इन जनरल समाज है, जिसको कि हम कहते हैं कि संपूर्ण जो समाज है, उसमें अपनी जगह हम कायम कर पाएंगे और ये भेदभाव ऊंच नीच इस सबको खत्म करने का हम कोई ना कोई तरीके से इसको खत्म करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही, आगे हमारे बहुत साथी हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए बैठे हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन हो जाए।
और आज मैं अपनी बेटी को भी जोड़ना चाह रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर थोड़ा सा वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकती है, तो मैं अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सृष्टि आओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि प्रकाश है, मैं सफदरजंग अस्पताल में फाइनल ईयर रेजिडेंट हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में, और एज लेमैन टर्म्स जच्चा बच्चा विभाग, लाइक माय मदर यू मस्ट बी नोइंग हर, आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट हैविंग अ रियली बैड सोर थ्रोट एंड अ लिटिल कोल्ड, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना टाइम आज की मीटिंग में दे सकती हूँ मैं उतना दे पाऊँ, एंड जो भी सब लोग बोलना चाहते हैं उसे सुन पाऊँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बिटिया का, सबका, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। साथियों, कुछ तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया, बाकी हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और हमारा इकट्ठे होने का मकसद क्या है, हमारे जो अधिकार चले गए हैं उनको बचाने के लिए किस तरह वापस लाएं हम अपने अधिकारों को, क्योंकि हमारे अपना माइक खोलिए समना बहन जी। हाँ, हमने जो हमने यही पाया कि हमारे जो अधिकार गए हैं वो हमारे राजनेताओं की वजह से गए हैं, उन लोगों की वजह से गए हैं जो जिनको हमने नहीं कहा था कि तुम आके हमारे हमारी लीडरशिप बनो, हमें अपना लीडरशिप दिखाओ, हमारे समाज का ठेकेदारी उठाओ, उन्होंने हमें आज इस हाशिए पे पहुंचा दिया। जी जी, जी राजनेताओं को कोसना बंद करो, जो करना आगे करो लगातार, आप बिल्कुल जी बिल्कुल, तभी वही तो हम कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं भाई साहब, भाई साहब वही कर रहे हैं। प्लीज आप इंटरप्ट ना कीजिए, इंटरप्ट ना कीजिए भाई साहब, प्लीज वो ना कीजिए, हम होने वाला कोसने से कुछ नहीं होने वाला, आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे ही चल रहे हैं भाई साहब, हम आगे होने वाला। हाँ हाँ, तभी तो मतलब लोगों कर रहे हैं उसमें शाम करिए भाई साहब, प्लीज इंटरप्ट नहीं करेंगे आप आज हमें, अब हम लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, प्लीज भाई साहब शांत रहिए अभी आप फिलहाल, आप अभी आप बाद में बात कीजिएगा जीरो आवर में। सुशीला गौतम मैम है, प्लीज आइए। सुशीला गौतम मैम कहाँ से है? बबली हीरा जी जी, हाँ जी, अगर आप परमिशन दें तो मैं भी थोड़ा 10 मिनट आज बात रखना चाहूंगी। जी जी जी, पहले मैम अभी रुक जाइए, राजकुमारी मैम, सुशीला मैम आ रहे हैं, पहले हम उनको बुला लेते हैं ना, जो अब जिनके हैंड रेज है उनको पहले मौका देते हैं। हेलो, हाँ मैम, जय भीम, हाँ जी मैम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, आप ये मदर इन लॉ है? अच्छा अच्छा, नमस्ते माता जी, जय भीम माता जी। जी जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बढ़िया, जय भीम। बहू है ये? जी जी जी, प्रत्याशा जो होती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड। देखो आप, आपके संस्कार है कि देखो प्रत्याशा कितना खुल के बोली है, आपके संस्कार है ये। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी सर्वेश कुमारी जी हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, है ना, आप बैठी रहिए, अभी हम लोगों का प्रोग्राम लंबा चलेगा। ओके ओके, सर्वेश कुमारी जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी, जय भीम। और आज महिलाओं की टीम है, स्पेशली फैमिली की टीम है, मीटिंग है। पिछली बार मेरे हस्बैंड नहीं शामिल थे क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में थे, आज मेरे हस्बैंड भी हैं हमारे साथ में। ओके, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे बच्चे भी आज हमारे साथ में हैं सभी लोग। ओके ओके, जय भीम, जय भीम, हाँ हमारी, जय भीम, वेरी गुड, जय भीम। हमारी सर्वेश जी, हमारी जो परिवार विशेष होगी ना वो 20 तारीख को होगी, आज महिला विशेष है, लेकिन ये भी अच्छा है कि आप परिवार के साथ बैठे, परिवार नहीं, 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 वो, नहीं, एक्चुअली क्या था कि 20 तारीख को मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, तो ये वो नहीं थे, तो आज हमने कुछ स्पेशली, आज आपके लिए थोड़ी देर वेट कीजिए, आज हमारे साथ में मीटिंग अटेंड कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, ये कि महिला क्या कर रही है,
लेकिन परिवार इसमें जुड़ है और और ये बताओ इनको कि क्या पूछो इनको कैसा लग रहा है सबको देख के। कहना चाहूंगी कि आज अगर हम आप लोगों के सामने हैं तो वो उनका जो रानी का श्रेय है वो मेरे हस्बैंड को है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी एजुकेशन से लेकर मुझे हर लाइन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और आज मुझे हर चीज के लिए वही प्रोत्साहन करते हैं कि आपको कब क्या करना है क्या नहीं करना है। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ताली बजाना चाहेंगे, आपके हस्बैंड ने आपके इतना साथ दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी महिलाओं के हस्बैंड उनका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, चलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। सर्विस मैम होगी, अभी कोई और है, कोई नई साथी हमारे है, उनका बहुत देर तक हैंड रेज रहा लेकिन उनके यहाँ से किसी ने बात नहीं करी। श्याम जी चले गए क्या? भंते जी हैं क्या? भंते जी हाँ, पूनम बेदी जी, पूनम बेदी कोई है ये हरियाणा से? जी है क्या मैम, चले गए भंते जी? देखना पड़ेगा भंते जी है, भंते जी अच्छा अच्छा भंते जी अगर आप है हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो भंते जी आइए, आप अपने महिला मंडल को आज हमारे संबोधित कीजिए अपने विचारों से, किस तरह हमें काम करना चाहिए और क्या आपको सही लग रहा है हमारे लिए। भंते जी संगमित्रा गौतम जी, संगमित्रा गौतम जी आपको लेते हैं हम अभी भंते जी के बाद में ना। हेलो जी 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 आ रही है भंते जी, लेकिन थोड़ी कम आ रही है भंते जी, कम आ रही है। थोड़ा सा अपना अगर आप माइक के पास आ जाएं या फिर आप अपने कुछ लीड यूज कर लें तो ये अच्छा रहेगा, ईयरफोन वगैरह कुछ यूज कर लीजिए भंते जी। भंते जी थोड़ा धीरे ही बोलते हैं। शर्मिला जी जय भीम नमो बुद्धाय। संगमित्रा जी शायद ना लक्ष्य कमांडो से जुड़ी हैं, उनको ले लीजिए एक बार। हेलो जी मैडम लीव हो जाए नहीं शर्मिला जी, शर्मिला जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सोनू आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी मैम संगमित्रा जी लक्ष्य कमांडो से लखनऊ से जुड़ी हैं, उनको ले लीजिए एक बार पहले। जी तो संगमित्रा जी को बोल दी मैडम, आइए संगमित्रा जी मैडम। तो आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरा ख्याल, संगमित्रा जी। सर जिनके माइक खुले हुए हैं वो अपने माइक बंद कर लें, जिन लोगों से बात नहीं हो रही प्लीज माइक बंद करें। कमलेश, कमलेश मधुकर मैडम, कमलेश मधुकर मैडम आपको आवाज आ रही है मेरी? मधुलिया होगा मैम, मधुलिया? नो 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 मैडम, कमलेश मधुकर है, मधुकर। अच्छा अच्छा ओके। निर्मला आनंद मैडम, निर्मला आनंद मैडम। सरोज मैडम एंड वन अदर और सरोज बाला, दोनों है सरोज मैडम एंड सरोज बाला मैडम। भंते जी का माइक तो खुला है, जो नाम भी लिखा है उनका भिक्कू करके, लेकिन भंते जी खोल नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे। चंद्रकला, चंद्रकला कुमार, चंद्रकला कुमार। हेलो जी, जी मैडम बोलिए। जी मैम, मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बोलिए। मैंने अभी इंट्रोडक्शन अपना दिया था, मेरा नाम चंद्रकला है। जी जी, और मैं एक सहायक अध्यापक हूँ गोरखपुर में। जी जी, मुझे जी। मैंने बताया था मैम चंद्रकला जी अपना नंबर डाल देना था ना चैट बॉक्स पे, हम लोग आराम से आपसे बात करेंगे। हम आप हमारे ग्रुप में बनिए, जुड़े रहिए, आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने संघ का निर्माण क्यों करा है ना। तो आप जुड़े रहिए मैम यहाँ पे। मैडम बबली जी वो शायद राजकुमारी बंसल जी मांग रही थी टाइम ना आपसे। हाँ आप अब ले लीजिए, ले लीजिए टाइम। हाँ राजकुमारी जी आ जाइए, अभी आप जो कहना चाहते हो मैम बोल लीजिए।
दो हैंड रेज है आपके, विदा बहुत अच्छा और राम मिस कर आइए मैडम, बहुत लीजिए टाइम जी जी। तो चूंकि जैसे कि आप सभी को उपस्थित को पता है कि आज महिला और परिवार स्पेशल है, तो सी मैडम सीमा जी ने इतना अच्छे से हमें कंसेप्ट समझाया, उसी कड़ी में मैं आगे थोड़ा सा दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारी अगर महिलाओं की 50% जनसंख्या है, भागीदारी है, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को। तो कि अगर 50% भागीदारी है, आज तो हमारी जनसंख्या इतनी दिख रही है, लेकिन डेली हमें इतनी जोर शोर से अपनी भागीदारी हर कहीं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर रखनी होगी, तभी एक परिवार का और हमारी भूमिका पूरी होगी। तो मेरा सभी बहनों से माताओं से यही अनुरोध है कि आप अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी समझिए, अगर आप भविष्य में बच्चों के लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार को और सुरक्षित रखने के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि आप डेली आप इस तरह से जुड़िए और अपनी जनसंख्या या कहें कि अपनी जो आबादी है उसके अनुसार अपनी भागीदारी हर कहीं दिखाएं। बस मेरा यही अनुरोध है। जय भीम नमोबुद्धाय, धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ जो रमेश काटके जी हैं, ये इनसे पूछिए कि बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में क्या खास बातें बताई, संक्षेप में बताएंगे, वो जानकार हैं बाबा साहब की और महिलाओं में ना। ओके ओके, रमेश काटके जी, ओके रमेश सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है और आप थोड़ा सा मंच संभालिए। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। आज मैं इतना खुश हूँ, खासकर मैं आप सभी मेरे बहनों से एक देखकर सोच रहा हूँ कि बाबा साहब ने क्या चीज बनाई है, क्या संगठन में जान डाली थी। बाबा साहब का मैं एक रेफरेंस देता हूँ, 27 जनवरी 1919 को बाबा साहब ने एक साउथ बोरो कमीशन को मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो 1909 का मोरले मिंटो रिफॉर्म्स था और मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था 1919 में। तो उसी के उपलक्ष में भारतीयों को मतदान का अधिकार देने की बात चली थी। उस वक्त बाबा साहब ने सोचा कि ये मतदान का अधिकार जो कांग्रेस और खासकर उच्च वर्णीय की पार्टियां थी वो डिमांड कर रही थी कि जो लोग टैक्स पेयर है और जो जमींदार है उसको ही मतदान का अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहब भी कोई कम नहीं थे, बाबा साहब ने 27 जनवरी 1919 को साउथ बोरो कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया। उसमें बाबा साहब ने शेड्यूल का शेड्यूल टाइप, उस वक्त को डिप्रेस क्लास बोलते थे बाबा साहब, तो आज के जो एससी एसटी और ओबीसी है उसके साथ साथ महिलाओं को भी मतदान का और चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, ये बात बाबा साहब ने 1919 में रखी। उसके बाद 1920 में शाहू महाराज ने जो मानगांव है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। छत्रपति शाहू महाराज राजा होते हुए भी उस सभा का अध्यक्ष पद बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने दिया था, हालांकि उस वक्त बाबा साहब की पहचान एक अछूत का लीडर थी। तो शाहू महाराज ने उस वक्त कहा कि मेरी मंशा, मेरा मन मुझे कह रहा है कि ये जो भीमराव अम्बेडकर है ये एक दिन इस देश के महान लीडर बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे देश का भविष्य बदल देंगे। उसके बाद 1927 में जो महाड़ का पानी का संग्राम जो हुआ उसमें बाबा साहब ने महिला का एक स्पेशल सेशन बुलाया, जो कि बाद में जाके बहिष्कृत भारत में उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल भी लिखा। तो उस वक्त महिलाओं की टोटल 10,000 लोग थे पूरे देश से, उसमें से 3,000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी। उस सभा में बाबा साहब ने कहा था महाड़ के सत्याग्रह में कि आपको जो आपका जो पहनावा है, जैसे उस वक्त मराठी में जो साड़ी पहनते उसको लुगड़ा बोलते हैं, तो आप जो लुगड़ा पहन के आते हो, ये पहन के पहनावा आते हो, ये फटे पुराने हैं, लेकिन उसको अच्छा से अच्छे से धोकर उसको पहना करो और आपके बच्चों को पढ़ाओ। तो उस वक्त देखो, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 1927 में बाबा साहब कहते हैं 3,000 महिलाओं का स्पेशल सेशन लेकर। उसके बाद 1942 में एक 30 जुलाई और 1 अगस्त को बाबा साहब ने नागपुर में सिल्का फेडरेशन का एक अधिवेशन बुलाया था, नेशनल अधिवेशन था। उसमें 75,000 लोग थे, उसमें 25,000 महिलाएं आई थी सारे देश से, और एक तुलसीबाई डोंगरे करके वहां की एक अध्यक्ष थी वो महिला सम्मेलन की। तो 25,000 महिलाओं के सम्मेलन के सामने बाबा साहब ने कहा कि मैंने 1919 में
पुरुषों के साथ महिलाओं को अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं एक बात कहने जा रहा हूं। तो बाबा साहब ने कोटेशन बताया है जो कि मैं वैसा के वैसा आपके सामने बताना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमन हैव अचीव। मैं किसी समाज की उन्नति या प्रगति उसी पर नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस प्रगति की है। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने बीज बोया 1919 में, उनमें कुछ 1927 में कुछ फूल और फल पाए, और 1942 में वो इस कदर तक बात कर सके कि महिलाओं की शक्ति जो है पुरुष से बिल्कुल कम नहीं है। और दूसरी एक बात बताता हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 31 और 32 में, उन तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बाबा साहब ने पुरुषों के साथ महिलाओं के सारे अधिकारी को बात की। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें महिलाओं को ये मतदान का अधिकार तो मिला ही, लेकिन चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिला। और 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो बाद में इलेक्शन हुआ, उसमें महिलाएं भी खड़ी थी, और महिला और पुरुष 17 उम्मीदवार चुन कर आए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि 1937 में बाबा साहब की वजह से भारत की, चाहे वो उच्च वर्ग की महिला हो या चाहे SC ST OBC या मुस्लिम महिला हो, हर जाति धर्म की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उसके बाद अमेरिका की महिला को 1937 के बाद वोट फ्रेंचाइज मिला, ब्रिटिश महिलाओं को 1941 में मिला। इसका मतलब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। आज का आपका माहौल देख रहे हैं हम लोग, और शर्मिला बहन जी जिस तरीके से ये जो सभा हैंडल कर रही है, तो हमें लग रहा है कि आप अगर सामने आते हैं तो हम तो ये चाहते हैं, सुधीर राज सिंह की मैं प्रवानगी लेता हूं कि ये सारा संगठन का जो सूत्र है अगर हम महिलाओं के हाथ में देते हैं तो मैं कहता हूं कि इस देश का भविष्य निश्चित उज्जवल है। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार खटके जी। हाँ सर, वो अगले ये जो मीटिंग होती है 10, 20 और 30 को होती है महिलाओं की, तो हाँ। अगले 10 तारीख को ना कुछ जो महाराष्ट्र की महिलाएं उनका परिचय कराइए इधर की महिलाओं से। जरूर जरूर सर। ठीक ठीक है सर। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत साधुवाद आपने हमें बाबा साहब की इतनी मूल्यवान कीमती शब्द हमें बताए आपने। बबली मैडम जी जी जी, आज मंगलवार से 3-4 महिलाएं जुड़ी हैं, कृपया उनका बुलाइए। बबली मैम मैं भी एक मिनट बबली मैम, अभी हमारा आगे का सारा कार्यक्रम संभालेंगी हमारी बहन जयश्री गौतम जी। जयश्री गौतम जी और मैडम मनीषा जी, ओवर टू यू। अब आगे का कार्यक्रम आप लोग संभालिए, एंकरिंग अब आपके हवाले। हम लोग पीछे से आपको हेल्प करते रहेंगे, हम लोग साथ में ही हैं। आप लोग आइए, अब आपकी आप लोग संभालिए, है ना जी। ओके जी जी, धन्यवाद मैडम। मनीषा मैडम, एक लीला भील का हाथ उठा हुआ है, एक बहन है लीला भील, उनका हाथ उठा हुआ है। रश्मि जी, अभी लीला भील जी को बुला लेते हैं, उसके मैं आप बुला लीजिएगा जी। लीला भील जी अगर सुन पा रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। लीला जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, तब तक रश्मि जी आप मुरादाबाद से जो महिलाएं जुड़ी हैं आप उनका इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। जी मैडम। सुदेश मैडम आप सुन पा रहे हैं? सुदेश मैडम हेलो जी मैडम, बात रखिए अपनी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मुरादाबाद से स्वदेश सिंह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ, और जो मेरा जो एम है, बाबा जी जैसे चाहते थे सभी शिक्षित हों तो मैं भी यही चाहती हूँ, और अपने विद्यालय में भी बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चे पास हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है,
कि बालिका अगर शिक्षित होती है तो वो आगे परिवार भी शिक्षित होता है और उस परिवार की जो नींव है वो मजबूत रहती है। और इसके साथ ही मैं जो मुरादाबाद में रमाबाई ग्रुप है उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाती हूँ, और मुझे इसमें जयश्री गौतम मैडम ने जोड़ा है और मैं कई बार जुड़ चुकी हूँ, और वी आर पीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे समझ में आ गया और मैं लोगों को भी जोड़ रही हूँ। आज मेरे साथ मेरी बेटी साथ में रहे साथ में है जो कि बातों को सुन रही है। बहुत बढ़िया। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज अग्रिमा सिंह। ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आप जैसे महिला शिक्षा के बालिका शिक्षा के लिए काम करते आप आ रहे हैं, आप वैसे ही काम करते रहिएगा और संघ में भी जुड़ते रहिएगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ रोजाना की होने वाली मीटिंग्स में भी और आज की मीटिंग में भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। रश्मि जी आप अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी जी ओके मैम। मुरादाबाद से वीना जी भी जुड़ी है मुरादाबाद से। वीना जी आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए। वीना जी मैडम किसी और को ले लीजिए, मनीषा जी करें फिर आगे, मैं और बुलाती हूँ बाद में। मैडम मालती देवी है। मनीषा ने कहा बहन जी आपके दो फोन करने बंद कीजिए, आपका इको हो रहा था, एक फोन का माइक बंद करिए आप। हमारे बीच में पूनम कौर गौतम जी जुड़ी हैं, अगर उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तो आप आइए जी। पूनम कौर गौतम जी हो गया मैम, उनका हो गया है, पूनम मैम का हो गया है, पूनम कौर जी का। अच्छा, निर्मला मैम, निर्मला बौद्ध जी को बुलाइए, निर्मला बौद्ध। निर्मला बौद्ध जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आइए। निर्मला बौद्ध जी, निर्मला आनंद जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ में, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आइए परिचय दीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय। मैम मैं निर्मला बौद्ध बोल चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या दीदी लेटी हुई हो, उठ के बैठो, आपकी तबीयत ठीक है? हमारी सबसे बड़ी नेता चंडीगढ़ की लेटी पड़ी है, आराम कर रही है। ये हमारा लेटने का नहीं जागने का टाइम आ गया है। मैम मैं तो जागी हुई थी, बैठे बैठे ना थोड़ी थक गई थी इस करके मुझे लेट ली। हाँ सभी को अगली बार एंकरिंग आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा बहुत बहुत साधुवाद जी। दीदी क्या नाम है उनको, गीता चौधरी, सभी को लाओ यहाँ पे, वो तो आप ही की रिस्पांसिबिलिटी है। आप लाओ, सबको लाओ यहाँ पे, चंडीगढ़ से सबको इकट्ठा करो। मैंने उनको मैंने उनको ना सभी को लिंक भेजा था, और जितने भी महिला ग्रुप थी मेरे पास उसमें भी मुझे पता नहीं है लिंक मैंने सब। अच्छा सबको देख के ये लग रहा होगा कि इतनी स्मार्ट सी लेडी निर्मला बौद्ध, ये मैं बता दूं सासू माँ भी है इनकी, डॉटर इन लॉ भी है। वो कहाँ है, वो कहाँ से है, डॉटर इन लॉ कहाँ है? वो घर गए हैं अभी। अच्छा अगली बार जब होंगे साथ में तो उनको मिलवाना हमसे, हाँ गुड़िया को भी मिलवाना है, छुटकी को उसको, और सबको इकट्ठा करो चंडीगढ़ में। हमारा काम कुछ नहीं हो पाया अभी, बहुत ज्यादा काम हमें करना है, चंडीगढ़ स्पेशल की मीटिंग रखनी है हमें यहाँ पे, ठीक है? उसमें हमें सपोर्ट कीजिए और हम लोग सारी छोटी छोटी कॉलोनियों में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे यहाँ पे ना। हाँ ओके दीदी, है मैं चलूंगी, जब भी जाना हो मुझे बता देना मैम, बाकी मैंने सभी महिलाओं का लिंक भेज दिया था। अच्छा कोई है तो बुलाओ दी साथ में। हाँ कोई है तो बुलाओ, जो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है उनको बुलाओ, कोई बैठी है तो देख लो, किसी को ढूंढ लो, किसी का नाम नहीं तो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार हम उनको सबको इकट्ठा करेंगे। चलो ओके दीदी, लेट जाओ, सो जाओ। थोड़ा नहीं जागना है।
आप बने रहिए निर्मला जी हमारे साथ में। ओके, नमा बता दे। और कोई अगर जुड़ पाते हैं तो उनका परिचय जरूर करवाइएगा। मैम शशि सिंह है कानपुर से। ठीक है, शशि जी आइए। शशि जी वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं, चलिए अभी उनको हम बुला लेते हैं। निर्मला आनंद जी और जुड़ी हुई हैं जी। निर्मला आनंद जी सुन पा रहे हैं? गीतांजलि, जयश्री एक लीला भील भी हैं, लीला भील। हाँ जी मैंने बोला था उनका सुन ही पाए शायद। लीला जी, जी जी लीला भील जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं गीतांजलि बृंदावन, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम जी। कुछ बताइए मैडम अपने बारे में जी। अभी तो फिलहाल बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ मैंने कल भी इंट्रोडक्शन दिया था अपना, और वैसे तो मैं फरीदाबाद से हूँ और डॉक्टर लाल सिंह जी के थ्रू मैं बी द पीपल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे को हो गया करीब 2 महीने से हुआ है मेरे को जुड़े हुए। बीच बीच में मैं छूट जाती है, क्लास ले नहीं पाती मैं मीटिंग, और नहीं ले पाती अभी के लिए इतना ही। और प्रज्ञाशील है वो देखे जरा जी। भंते जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आइए। जय श्री मैडम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम मुझे भी थोड़ा समय मिले तो समझ दीजिए। अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको सर। हाँ, कोई नहीं, जब समय हो बताइए जी। बस थोड़ा सा और महिलाओं का परिचय हो जाए, फिर आपको लेते हैं। हैंड भी देख लेना है जी। विजय पाल जी का हैंड रेज है। अभी ना जेंट्स को तो बाद में बारी है ना, पहले महिला स्पेशल है जुड़ी हमसे। अच्छा मैम, हो सकता है विजय पाल जी के साथ में कोई हो ना, उनको एक बार अच्छा, पूछ लो। कोई नहीं जी, जी विजय पाल जी आपके साथ है तो आप आइए। हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय मैडम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ मैम, मैं कल ज्वाइन किया था, आज मेरा सेकंड टाइम है, लेकिन है ना वो लिंक नहीं आया आज, तो ये मैं कहना चाहता था लिंक के आप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। आप किसी ग्रुप में जुड़े कि नहीं अभी? आप विदा पीपल के किसी ग्रुप में है? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ मैडम। ओके, दिल्ली में भी विदा पीपल का एक अलग से ग्रुप चल रहा है, और आपको हम उसमें जोड़ देंगे। आप अपना नंबर छोड़ो इसमें चैट बॉक्स में, या बोलना चाहते हो तो बोल दो। हाँ नहीं, वो तो कल बोल दिया था, वो तो अब तो सुनेंगे आप इधर ना, फिर बोलने का टाइम। इनके दो क्वेश्चन थे, उनका जवाब शायद सुधीर जी बाद में दे देंगे, मैंने उनको बता दिया सुधीर जी को, ये दे देंगे नोट किया। तो फिर जो राजेश जी है रेवाड़ी से, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया लिंक, तो मैं अभी अपना नाम वगैरह छोड़ देता हूँ, नाम और फोन नंबर वगैरह, तो प्लीज मेरे को ऐड कर दीजिए दिल्ली ग्रुप में। ठीक है, आपके यहाँ से अगर कोई महिला का परिचय आप करवाना चाहें तो उन्हें बुलाइए। एक मिनट रुको। धन्यवाद जी जी। हेलो, महिलाओं का पहला संघ। हाँ मैडम, मैं आज नहीं करा रहा हूँ, कल कराता हूँ, आज मैं थोड़ा सा किचन में बिजी मैडम जी। ठीक है, ये ठीक है, कोई नहीं। ओके, कोई नहीं। नेक्स्ट हैंड रेज है ये अंजू जी का। अंजू जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अंजू जी, आप मैम, मेरा नाम अंजू है, मैं मेरठ से हूँ।
मेरठ में कहाँ से है मैडम? मैम गंगानगर, मेरठ गंगानगर। क्या करते हो मैडम? मैम अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। मैं तो मैं पढ़ाई की है, मैंने बीएड किया हुआ है, एमए बीएड किया हुआ है। लिंक कहाँ से मिला मैम आपको? मैम मैं मेरे भाई टीचर हैं, उनके द्वारा मैं। अच्छा, ओके ओके। आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, हमारे मेरठ के भी बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हैं और यूपी के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, आपको बहुत सारी यूपी की बहनें मिलेंगी यहाँ पे आज। आप फर्स्ट टाइम? ओके मैम, सेकंड डे है मेरा, कल मैंने अपना परिचय दे दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ना महिलाओं की मीटिंग ना 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को होती है, महीने में 3 दिन होती है। आप जरूर जुड़िए, और हो सके तो डेली जुड़ सकते हैं तो आप डेली जुड़िए, लेकिन महिलाओं की मीटिंग में आप जरूर जुड़िएगा। ओके मैम। मैम मुझे बहुत पसंद आया, और जैसे मैं जुड़ी हूँ और भी जोड़ने की कोशिश करूंगी अपनी बहनों को। आप जुड़े रहिए। सुमन बोध जी, नेक्स्ट नेम सुमन बोध जी हैं। सुमन बोध जी, शायद आवाज नहीं आ पा रही होगी, आप आगे ले लीजिए। मैम शशि सिंह अब आ गई है लाइन पे, ले लीजिएगा उनको। अच्छा अच्छा, शशि जी आ जाइए, अपना परिचय दीजिए। शशि जी सुन पा रहे हैं? इनका माइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शशि सिंह जी का। हाँ चलिए, तब तक हम लक्ष्मी जी को ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, जी, जी आप सुन पा रहे हैं? आप आइए। जय श्री मैडम। मुरादाबाद से मंजू जुड़ी हुई है और उसकी बच्ची भी है, कुछ शायद कुछ कहना चाह रही है वो, तो इनके बाद ना मंजू को ले लीजिएगा। ओके ओके। लक्ष्मी जी सुन पा रहे हैं? चलिए तब तक मंजू जी आप आ जाइए। मंजू जी हेलो। हेलो हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय। सो स्वीट, आज बच्चे साथ में हैं। जय भीम बेटा, सो स्वीट। दोलू मोलू सर। और कैसे? मेरी बेटी कह रही है मैं अगली बार आऊंगी मीटिंग में तो एक बाबा साहब के ऊपर एक कविता सुनाऊंगी अगली बार आऊंगी तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना बेटा, सुनाओगे ना? हाँ देखो मम्मा कितना काम करते हैं, बोलते भी हैं, है ना, तो वैसे ही आपको भी बोलना है, ठीक है ना? मंजू जी अपने बारे में बताएं। हाँ मैं मुरादाबाद से सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद में, और मैं बी द पीपल कॉन्सेप्ट से बहुत चार पांच बार तो जुड़ चुकी हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस, देखती हूँ सभी महिलाओं को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि सारी सभी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं भी करना चाहती हूँ, जो भी कुछ मुझसे होगा थोड़ा बहुत मैं करूंगी। आप कर रहे हो, पर बताना नहीं चाह रहे हो। कोशिश करती है सभी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चार लोग तो मैंने अभी जुड़ा है। अच्छा, हाल फिलहाल पता नहीं जुड़ी नहीं जुड़ी, मैंने उनसे बात की, पता नहीं वो जुड़ी नहीं जुड़ी। अगर जुड़े हो तो आप उनको बुलाएं, आप चलो चेक कर लो, बात करूंगी। ठीक, हाँ हाँ जरूर जरूर, अगर आपको लगता है कि कोई उनमें से है आप चेक करो फिर बता देना, उनको बुला लेंगे। जी जी धन्यवाद, आप बने रहे हैं हमारे साथ। मैं कुछ नाम बोल रही हूँ, उनमें से जो लोग एट प्रेजेंट हो तो वो लोग आप आइएगा। लक्ष्मी, निर्मला आनंद जी, सरोज बाला, सुजाता पाटिल, वंश ठिकन के नाम से हैं, सविता अहिरवार, इनका शायद हो गया ना, शायद सविता अहिरवार जी का मेरी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अच्छा सुन पा रहे हैं तो इनमें से आइएगा। मैं सविता अहिरवार, स्वागत है। जी जी वेलकम। पेपर पानी से। अच्छा
उत्तर प्रदेश से जी जी ना पुकारे छोड़ दो इसके जय भी मैडम जी नमो बुधाय जय भी नमो बुधाय रुक जा यार पीछे आ जा इधर आ जा और कैसे हैं कैसे हैं मैडम अपने बारे में कुछ बताइए आवाज आ सुन पा रहे हैं आप मेरी ऐसे में उसको वो आ जाए पूरा ऐसे घुमा लो उसको नेक्स्ट ये करण हैं वो अपनी मैडम का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं करमवीर सिंह जी के यहाँ से इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज नमस्कार मैम जी जय भी जय भी मैम जय भी सुमनलता जी एज ए सुपरवाइजर इन हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ से हैं मैडम आप कुरुक्षेत्र से मैम आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हाँ जी मैम ओके आपको लिंक कहाँ से मिल गया मिला मतलब भैया ने दिया अच्छा सर पहले से जुड़े होंगे हाँ जी सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जॉब करते हैं भैया मैडम आज आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना महिलाओं की महीने में 3 बार मीटिंग होती है 10 तारीख को और 30 तारीख को आप हमेशा जरूर जुड़िएगा कम से कम महिलाओं की जरूर टाइम करते वैसे डेली मीटिंग होती है हमारी 8 बजे से 10:30 बजे का टाइम है हमारा आप डेली जुड़े और बहुत कुछ सीखने को और सिखाने को है और हमारा जो विधा भी जुड़े और जोड़े तो इसमें आपको और बाकी और महिलाओं को अपने साथ जोड़ना और आप बने रहिए आपका वेलकम है एंड थैंक यू जी नेक्स्ट जी लक्ष्मी जी सुन पा रही हैं ये तीरथ बाला जी के नाम से जुड़े तीरथ बाला जी हाँ जय श्री मैम जी जी जय श्री मैम हाँ जी हाँ नमो बुद्धाय मैम जी नमो बुद्धाय मैं राजेश प्रसाद बहुत ले रोटी ले भूख लगी जवान आवाज करो जी जवान नवोदय विद्यालय वैशाली बन चुके हैं तू सलाद ले भैया जी माइक बंद तो कर लो भूख लग रही भूख तो सभी को लग रही है माइक बंद कर लो प्लीज और आपने जी क्या ए खाना ले खाना ले आओ ओ भाई वक्ताओं को छोड़ करके बाकी के लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए हेलो जयश्री मैम जी 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 आ रही है क्या बात हाँ सुन पा रहे मैम जी 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 बोलिए मैं राजेश प्रसाद बहुत जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली का टीचर हूँ बिहार जी बिहार से बोल रहा हूँ आज एक बहन हमारी जुड़ी है रेखा दास हाँ रेखा दास जी जुड़ी है मैं चाहता हूं कि आप उनका परिचय ले लें रेखा दास धन्यवाद जय भीम नमो बुधाय जी जय भीम नमो बुधाय मैम जी जी नमो बुधाय जय भीम रेखा दास जी सुन पा रहे हैं तो आप अपना परिचय दीजिए सुन पा रहे हैं जी जी आइए सुन पा रहे हूं मैं जी जी मेरा नाम रेखा दास है आपका और मैं कोलकाता में रहती हूँ और एक्चुअली मेरा बेटा है जवाहर नवोदय विद्यालय सर के स्कूल में ही पढ़ता है अच्छा अच्छा तो वहीं से सर से मुझे लिंक मिला था आपका आज ही मिला है और आज ही मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ बहुत अच्छा है तो सारे लोगों को नमस्ते फर्स्ट टाइम आप लोग से बातचीत हो रही है जी जी आप विद पीपल से जुड़े हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में एक मेंबर और हमारी सदस्य बढ़ गई और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आपको धीमे धीमे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अभी 1:10 बजे भी कंसेप्ट अभी आने वाला है मतलब प्रस्तुत करने वाले हैं तो आप उसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ में मिलकर काम करना रोज हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी धन्यवाद स्वाति सिंह जुड़ी हुई है अच्छा अच्छा मैं अभी बुलाती हूँ उनको अभी लीला भील जी हैं उनका अभी मैसेज आया वो शायद कुछ कहना चाह रही हैं लीला भील जी सुन पा रहे हैं तो आप आइए लीला जी
स्वाति सिंह जी। यस मैम जी। अच्छा लीला जी, जी स्वागत है आपका जी, कहिए अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जय भीम नमो बुधाय। मैं लीला भील जोधपुर राजस्थान जी। मैडम आप हेलो हेलो लीला जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जय भीम जी। जी जय भीम जी बोलिए मैडम, आप कहाँ से हैं, क्या करते हो आप? लीला जी आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए, आपको लिंक कहाँ से मिला? नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। भंते प्रज्ञाशील सुन पा रहे हैं तो आप आइए। भंते जी शशि सिंह जी सुन पा रहे हैं? शशि सिंह जी, मालती देवी जी सुन पा रही हैं? जय श्री की। वो भंते प्रज्ञाशील नहीं है, धम्मदीप। अच्छा धम्मदीप भंते जी, अच्छा अच्छा जी जी। भंते जी अगर आप सुन पा रहे हैं, भंते धम्मदीप जी, तो आप आइए। तो हम विजय लक्ष्मी जी को ले लेते हैं। विजय लक्ष्मी भगत। हाँ जी हाँ जी, विजय लक्ष्मी भगत जी। हाँ, सभी को सप्रेम जय भीम। मैं करीबन जब से चालू हो गया है वी द पीपल के बारे में, तो मैं काफी बार जुड़ चुकी हूँ। मैम मुझे एक आपसे निवेदन करना है कि जितनी भी महिला जुड़ी हुई है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा दिए थे लाखों लोगों को, तो आप सभी महिलाओं ने मिलकर हमारे नागपुर भूमि में आइएगा, और जो बाबा साहब की जो चीजें रखी हुई है वो चीजों का आप दर्शन कीजिएगा, जिससे संविधान लिखा था वो टाइपराइटर भी रखा हुआ है, ताकि आप धन्य हो जाएंगे। समय से समय निकाल के आप इसका आयोजन भी कीजिएगा और आने की कोशिश भी कीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू जय भीम, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी हम कल नागपुर में आपके वही टाइपराइटर देख, आपकी टाइपराइटर हमारे साथी ने देख के, नागपुर में ही थे कल। सर जी आपने कांटेक्ट करना था, मैं नागपुर में थी तब, अभी आज मैं चंद्रपुर आ गई, क्योंकि मेरा वर्किंग चंद्रपुर में है, एक हफ्ता मैं चंद्रपुर में रहती हूँ। आपको कैसा लगा चिचोली गाँव? नहीं अच्छा था, अच्छा हमने देखा, हमने तो कई बार देखा है, कल हम नागपुर में ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो स्वागत है हमारे नागपुर में आप सभी लोगों का। ओके थैंक यू जय भीम, बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक मिनट बात कर सकता हूँ मैं बहन जी? हाँ जी हाँ जी। विजयलक्ष्मी मैम मैं आपको बताता हूँ जी, हाँ अगले हफ्ते में नागपुर में एक मीटिंग होगी, क्योंकि जो नया संगठन बना है, नई कार्यकारिणी बनी है जी, उसकी हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है जो नए इसके बारे में, तो कुछ डायलॉग हाँ। हमको महिलाओं से भी करना है, क्योंकि महिलाओं का जो विंग है, जितना सशक्त होगा उतनी ही ताकत हमारी ज्यादा बढ़ने वाली है। यस यस, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ काम जो है, खास काम जो है वो महिलाओं के ऊपर सौंप दे, ताकि महिला लेडीज इज अ गुड मैनेजर, मैनेज होम एज वेल एज शी कैन मैनेज द कम्युनिटी एज वेल, ये बाबा साहब ने कहा, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एक हफ्ते के अंदर जो मीटिंग होगी वहां पर आपको बुलाया जाएगा प्लीज। सर जी मैं 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक के लेह लद्दाख घूमने जा रही हूँ। ओके ओके ओके, तो बाद में देखा जाएगा, कोई बात yes, नहीं yes, हाँ, ओके जय भीम। आप नंबर ले लीजिए और जी सर जी, मैं नंबर ये कर लेती हूँ। ओके विजय लक्ष्मी मैडम अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी हाँ जी हाँ
जी हाँ डाल देती हूँ। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मनीषा जी 10:04 हो रहे हैं, आई थिंक रश्मि जी को कंस के लिए बुला लिया जाए। 10:05 हो गए हैं। हाँ जी हाँ बुला लीजिए। जी जी रश्मि जी जी मैडम जी 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 आइए। सभी को नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान। थोड़ा सा क्योंकि आज महिला शक्ति इकट्ठा है तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। पहले तो मैं रश्मि मुरादाबाद से, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मैं रश्मि मुरादाबाद से बेसिक शिक्षा विभाग में एज असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ, और जितना भी परिवार के बाद जो समय मुझे मिलता है मैं अपनी महिला टीम मातर मवाई महिला संघ के तत्वाधान में बाबा साहेब और अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का विचारों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि आज महिला स्पेशल मीटिंग है, मैं आज अपनी मातृशक्ति को इस संघ के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आज जो हम ये लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो इसके पीछे हमारे बहुजन महापुरुषों का बहुत ही त्याग और बलिदान छुपा हुआ है। हमें उनके त्याग और बलिदान को समझना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी समझ सके कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना त्याग, उनकी जो धर्म पत्नियां थी, जो उनकी बहनें थी, उन्होंने कितना कुछ कुर्बान किया है। तो और ज्यादा से ज्यादा बाबा साहेब, माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई, इन सबकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जरूर पढ़े, ताकि मैं जब मैंने इन सब चीजों को पढ़ा तो मुझे भी बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए। और मैं आप सबसे भी, सारी मातृशक्ति से और जो बहन बेटियां जुड़ी हुई हैं उनसे भी यह अनुरोध करूंगी इनकी बायोग्राफी को जरूर पढ़ें। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहेब के फॉलोवर्स हैं, तो जितने भी हिंदू धर्म में जो पूरे साल भर त्योहार ढोंग चलते हैं इन सबको बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल इसका पुरजोर तरीके से विरोध करें, इनको मनाना छोड़िए। अगर हमने अगर इनके त्योहारों को बिल्कुल मनाना छोड़ दिया, मैं इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ, तो इनकी वाकई आर्थिक मौत हो जाएगी। और हम तो इस राह पर चल चुके हैं, और मैं अपनी जो महिला शक्ति जुड़ी हुई है मैं उससे आग्रह करना चाहूंगी कि जो है इन त्योहारों को बिल्कुल मनाना छोड़ दें। सही बात वी द पीपल के कॉन्सेप्ट की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर मैं इस बात को दोहराती हूँ कि हमें अपना 3 तरह से शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें अपने आचरण को सुधारना होगा, अपनी बोलचाल का तरीका बदलना होगा, और अपने विचारों में दृढ़ता लानी होगी। यह मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द हैं। तभी हम अपने इस वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें जुड़ना है, और फिर बाकी आगे को हम इस क्रम में हमें लोगों को, पूरे परिवार को, अपने समाज के लोगों को जोड़ना है। सबसे पहला उद्देश्य जो है वी द पीपल का, कि हमें जोड़ें और जुड़े, ताकि वी द पीपल एक संघ है, ना कि ये कोई संगठन है। जो लोग बार बार कहते हैं कि संगठन है, संगठन नहीं है। बहुत देख लिया हमने संगठनों में, बहुत इतने सारे संगठनों बढ़ चुके हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो चुकी है, और हम इतनी सारी जातियों में पहले से बटे थे, हमें इतने संगठनों ने बांट डाला। अब हम इन संगठनों का बिल्कुल विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये संगठन हमें कुछ दे पाते, जब हमारी विचारधारा एक थी, हमारे उद्देश्य एक थे, हमारा फोटो एक था, तो हम इन संगठनों बटकर हमारी एनर्जी का बिल्कुल लॉस हो चुका है। अब हम वी द पीपल इस संघ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, जोड़ चुके हैं और आगे भी जोड़ेंगे, ताकि जो हमारे समाज में इतनी एट्रोसिटी होती है, हमारी महिलाओं के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, हमें इंसान समझने तक की भी लोग नहीं समझते। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इतने बुरे बुरे हालातों से हमारे समाज की महिलाएं गुजर रही हैं, हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य बिल्कुल अंधकार में चले गए हैं, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, और हमारे संविधान पर पूरी तरीके से हमला बोला जा रहा है। तो हमें वी द पीपल ने ये एक माध्यम से पीड़ा उठाया है कि भाई बहुत हो चुका, अब हम इस संघ के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जोड़ें, जो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं उनको हम कैसे बचाएं। सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है कि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं इस प्लेटफॉर्म पर, एक साथ हम अपने समाज को जोड़ेंगे नहीं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वी द पीपल अपने समाज के लोगों को जोड़ने की एक मुहिम चलाई है,
ताकि हमारे जो नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं और हमारे बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पढ़ाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान भी ये सोचता है कि हम अपने दो दो या तीन तीन बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो जो ये वी द पीपल है, एक संघ है, एक अम्ब्रेला है, हम सबको इस अम्ब्रेला के नीचे आना है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, सब मालिक है। जो जितना काम करेगा उसको उतनी तवज्जो दी जाएगी, सबको मिलकर काम करना है। और दूसरी बात, हमने तो किसी को इसके अंदर कोई नेता नहीं माना है। अगर हमने किसी को माना है तो अपने संविधान को अपना नेता मानकर सारे कार्य करने हैं। हमें संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजों को हमें अप्लाई करना है। और लगभग 22 राज्यों से 70 प्रकार के लोगों को जोड़ा जा चुका है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स ने तो ऐसी ऐतिहासिक पहल कर दी है, मैं तो उनको बार बार सैल्यूट करती हूँ कि जो शायद ही किसी ने आज तक किया हो। हमारे डॉक्टर्स ने इतना अच्छा काम, इतना बढ़िया बीड़ा उठाया है, सैल्यूट टू ऑल डॉक्टर्स। और दूसरी बात, हमारे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से काम की शुरुआत कर चुके हैं। और 17 प्रकार के लोगों को जोड़ा जा चुका है, 22 राज्यों से लोग जुड़ चुके हैं। दूसरी बात, और वी द पीपल का जो ये संघ है सभी का सम्मान करता है, इसलिए हमें इस संघ में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी नौकरी को बचा सकें, अपने समाज को बचा सकें और अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें। यही इस वी द पीपल का प्रमुख उद्देश्य है। अपने बच्चों को अगर हम भविष्य को नहीं बचा पाए तो शायद आज हम ये नौकरियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो मुझे लगता है कि नौकरियां भी ना कर पाए। तो इसलिए हमें इस संघ में जुड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर बेहद के साथ, बेशुमार विरोधियों के साथ मुकाबला करके यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर ये कारमा मेरे बच्चों तुम आगे ना बढ़ा सको तो उसको यही रोक देना, लेकिन पीछे मत जाना। तो हमारा जो वी द पीपल है, कोशिश है, एक जुनून है कि जो है बाबा साहेब के इस मिशन को हम आगे ले जाएं। और आने वाले समय में जो हमारी गवर्नमेंट है अपने समाज की तरफ देखे, उनके अधिकारों को जाने जो उनसे छीने गए हैं, और जो जनरल्स हैं उनके जैसा ही हम लोगों को समझे। हालांकि ये रास्ता, ये डगर बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वी द पीपल ने बीड़ा उठाया है, इस कारवा को हम लोगों को बहुत आगे तक ले जाना है। पहला उद्देश्य जो है हम सबको जोड़ना है, वी द पीपल अम्ब्रेला के नीचे हम सबको जुड़ना है। जुड़े, जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। इतना अच्छा आपने कंसेप्ट डिलीवर किया सबके सामने, और मुझे लगता है कि जो हमारे नए बहुत बहुत साधुवाद रश्मि जी को, बहुत ही साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर लाल सिंह को टाइम मांग रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर लाल सिंह आप आ जाइए, अपनी बात रखिए आप। जी 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 जी, तो आवाज आ रही है? जी, तो मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने दोबारा से बाबा भगवान बुद्ध ने जो संघ स्थापित किया था, महिलाओं का भी संघ स्थापित किया था, उस संघ को दोबारा से हमारी बहनों ने जिंदा किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। उसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा कि पहला संघ महिलाओं का कैसे बना था। तो भगवान श्रावस्ती में रुके हुए थे, तो भगवान की माँ, जो पहली माँ थी, वो तो गुजर गई थी, जो उनकी माँ थी महामाया, गुजरने के बाद जो प्रजापति गौतमी ने उनको पाला था। तो जब भगवान की ख्याति इतनी फैल गई तो प्रजापति के मन में भी आया कि भगवान ने पुरुषों का संग तो बना दिया है, महिलाओं का भी संग भगवान बनाए। तो माँ की इच्छा हुई कि भगवान के पास जाए और उनसे इजाजत ले कि वो उन्हें संग में ले। तो भगवान उस समय जहाँ उनकी माँ रुकी हुई थी 250 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो 500 महिलाओं के साथ महाप्रजापति गौतमी भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी और 250 किलोमीटर पैदल चल के वहां पर पहुंची थी।
वहां पहुंच के उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, हम चाहते हैं भगवान ने पुरुषों के लिए इतना अच्छा संघ बनाया है तो भगवान महिलाओं के लिए भी संघ बनाए और हमें उस संघ में प्रवेश दें, हम इसलिए आए हैं। तो आनंद हमें समय दिलवाए भगवान से मिलने के लिए, तो आनंद ने भगवान से मिलने का समय दिलाया और उनकी माँ 500 महिलाओं के साथ भगवान से पहली बार मिली और भगवान से निवेदन किया कि भगवान हमें महिलाओं का संघ बनाए और उसमें प्रवेश दें। तो भगवान सोचते रहे, सोचा सोचा भगवान ने, और सोचते सोच के फिर भगवान ने पहले दिन मना कर दिया कि नहीं आनंद, नहीं संभव नहीं होगा। तो निराश होकर उनकी माँ वहीं पर रुकी रही और आनंद से दोबारा निवेदन किया कि भगवान नहीं, हमें दोबारा से कल मिलने का समय दिया जाए। तो आनंद ने भगवान को समझाया, भगवान अगर हम महिलाओं को आप संग में नहीं लेंगे तो आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप केवल जो 50% पुरुषों के ही भगवान हैं और आप महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, तो भगवान हम इसका क्या जवाब दे पाएंगे, ये हमारे ऊपर बहुत आरोप लगेगा। तो भगवान ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया और दूसरे दिन जब उनकी माँ 500 महिलाओं के साथ भगवान से दोबारा मिली, दोबारा अनुरोध किया कि भगवान महिलाओं का संग बनाए और हमें उसमें प्रवेश दिलवाई जाए, तब भगवान ने दूसरे दिन उनकी माँ जब मिली तो उनको संग में इजाजत दी, लेकिन कहा कि आनंद कुछ विशेष बातें रहेंगी। वो 8 ऐसी प्रतिज्ञाएं भगवान ने उनके लिए बनाई कि अगर ये 8 बातें माने तो उनको प्रवेश दी जा सकती है। तो वो 8 प्रतिज्ञाएं उनकी माँ और बाकी जो 500 महिलाएं उनके साथ आई थी उन्होंने भगवान से कहा कि हम उनको पूरा पालन करेंगे। और इस प्रकार भगवान ने अपनी माँ और उनके साथ 500 महिलाएं आई, उनको दीक्षा दी और इस प्रकार पहला संघ आरंभ हुआ और वो संघ आज तक चला आ रहा है। कई देश हैं दुनिया के जिनमें मैं गया हूँ, देखा है कि महिलाओं के संघ बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाइना में भी मैं गया, तिब्बत में गया, काफी धर्मशाला में, हिमाचल में आप जाएं तो बहुत अच्छी तरह संघ चले हुए हैं, उनके स्कूल भी चले हुए हैं, आप कभी जाएं तो वहां देखें। और उससे प्रेरणा लेके जो संघ आपने बनाया यहाँ पे, मैं बहुत आप सबको बहनों को साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये संघ आपका खूब मजबूत बने और भारत को दिशा दें आप कि महिला शक्ति की कितना महत्व है, वो अच्छा परिवार बनाए, अच्छी समाज बनाने में। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक देश में प्रगति संतुलित नहीं होगी। जैसा बाबा साहब ने भी कहा था कि किसी देश की प्रगति हम इसी बात से नापी जा सकती है कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो आप सबने ये इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छी तरह से आप इसको चला रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर लाल सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हम सबके साथ में शेयर की और हम आशा करते हैं आपसे ऐसे ही हमें सीखने के लिए मिलता रहेगा। जी मैं बुलाना चाहूंगी सुजाता पाटिल जी को। जी आप सुन पा रहे हैं तो आप आइए, परिचय दीजिए अपना। सुजाता पाटिल जी, एक अनुरोध करना चाहूंगी सभी बहनों से, जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है वो कृपया हैंड रेज कर ले या माइक खोल के अपना इंट्रोडक्शन वो खुद दे सकती हैं। बिल्कुल, थोड़ी आसानी हो जाएगी जो लोग हैं। कुछ महिलाओं को मैं नाम लूंगी, अगर उनमें से वो हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दे प्लीज। निर्मला बोध जी हैं, सुमन बोध जी, संजना राम, सरोज बालाजी, सुषमा कुमारी, तीरथ बालाजी, सुशीला गौतम जी और बुट्टी बेटा, रेणुका सिंह,
तीरथ जी का हैंड रेस है मैम, तीरथ जी का, निर्मला दीदी का तो हो गया है। मैं देख गया, निर्मला आनंद जी के नाम से जुड़ी है, निर्मला बौद्ध जी का तो हो गया, वो नाम सेम मैम। कोई तीरथ जी है उनका हैंड रेज है, तीरथ जी उनको बुला ले, आ जाइएगा जी, बात रखिए तीरथ वाला, आइए तीरथ वाला। थैंक यू, थैंक यू, सभी को जय भीम। जय भीम, हाँ जी, मैं पहले भी दो तीन बार द पीपल में जुड़ती हूँ। मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़। जिसका माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर ले प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ जी, थैंक यू। मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ पंजाब से हूँ, मैं एमडी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं दो तीन मीटिंग्स पहले विद द पीपल में मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। गुरदासपुर में बहुत ही बढ़िया ग्रुप हमारा चल रहा है, पावर ऑफ प्रबुद्ध भारत, इसमें डॉक्टर सुधीर जी हैं, तो उनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था, मुझे लिंक मिला था और काफी बढ़िया लगा मुझे। काफी हम यहाँ पे भी अपने लाइक सावित्री बाई फूले करके हम एक ग्रुप चलाते हैं, तो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन है फगवाड़ा में, जो बाबा साहब की बुक रिलीज करके एवरी ईयर हम सब बच्चों का एग्जाम लेते थे। अभी बिकॉज ऑफ द कोरोना कॉल पीरियड तो दो साल से हम नहीं करवा पाए। एक मैंने पहले ही बताया था, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है जलगांव महाराष्ट्र से, तो उनके साथ भी मैं काफी देर से जुड़ी हूँ। बस जैसे सभी, अभी मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी जो बहन हमारे चंडीगढ़ से जुड़े थे, तो उनको मैं जरूर चाहूंगी कि वो मुझे समय दे, तो मैं उनको पर्सनली मिलके, तो मतलब हम कुछ प्रैक्टिकली करना चाहते हैं भी, ऐसे मतलब वाकई में कुछ हम बदलाव देखना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, सोशल